हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के राशि के अनुसार टैरो रीडिंग करूंगा। सो यहां पे हम देखेंगे कि क्या क्या नए चेंजेस आ रहे हैं आपके राशि के अनुसार। चार पाइल है। फर्स्ट पाइल में हम देखेंगे एरीज लियो सजिटेरियस के, और एरीज लियो सजिटेरियस यानी के मेष, सिंह एंड धनु का। सेकेंड पाइल में हम देखेंगे टॉरस वर्गो कैप्रिकन यानी के अर्थ एलिमेंट का, यानी के वृषभ, कन्या एंड मकर। थर्ड पाइल पे हम देखेंगे एयर एलिमेंट का यानी के मिथुन, तुला एंड कुंभ। एंड फोर्थ पाइल पे हम देखेंगे वाटर एलिमेंट का, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज। सो ये जो पाइल है ये होगा कर्क, वृश्चिक एंड मीन का। सो चार पाइल इसीलिए किया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले कि कौन सा एलिमेंट का रीडिंग कर रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शंस पे सारी चीज़ मेंशन कर दूंगा। सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही कोई ऑनलाइन पेड चीज़ें सेल करता हूँ, तो स्कैमर से बचिएगा। हाय माय ब्यूटीफुल एरीज लियो सजिटेरियस, यानी कि अगर आप मेष हो, सिंगल हो एंड धनु हो, चाहे आपका इंडियन राशि या फिर चंद्र राशि, ये रीडिंग आपके लिए है। एंड यहाँ पे अगर आपके बर्थ, आपको अगर राशि के बारे में पता नहीं है तो मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आपके बर्थ डेट 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल के अंदर, तो आप मेष हो सकते हो। अगर आपके बर्थ डेट है 23 जुलाई से लेके 22 ऑफ अगस्त, तो आप लियो हो सकते हो। एंड अगर आपके बर्थ डेट 22 नवंबर यानी कि 22 नवंबर से लेके 21 दिसंबर तक है, तो आप धनु हो सकते हो। अगेन ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अपना राशि के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बट अगर आपको पता है आपके राशि, भले वो इंडियन हो या फिर वेस्टर्न हो, तो आप चेक कर सकते हो। ओके, जो चीज़ आप मान के चलते हो कि आपका राशि क्या है, वही है आपका एक्चुअल राशि। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एरीज के लिए क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और यू नो मेष के लिए क्या क्या चेंजेस। डिटेल होगा एंड तक देखिएगा। माँ काली, बाबा काल, भैरव, प्लीज मेरे को बोल दीजिए कि मेष राशि के लिए क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहला कार्ड आते हैं स्टार। मेष राशि के लिए क्या क्या चेंजेस आते हैं आ रहे हैं। सेकेंड कार्ड है विल ऑफ फॉर्चून। एट ऑफ वॉन्स मेष राशि वालों के लिए बहुत खुशखबरी है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों के हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा, जॉब सेक्टर में चेंज हो सकता है, कहीं ना कहीं आप लोग कुछ नए डायमेंशंस पे जा रहे हो, कोई टूर ट्रैवल प्लान कर सकते हो। अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या फिर साइकिक अटैक हुआ था तो ये रिमूव हो जा रहा है, हीलिंग मिल रहा है। अगर आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तीर्थ स्थान पे जाने के लिए सोच रहे हो या फिर साधना करने के लिए सोच रहे हो, तो मेष राशि वालों आपके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कुछ ब्राइट न्यूज़ मिल सकता है घर के लिए। कोई अगर घर खरीदना चाहते हो या फिर कोई प्रेगनेंसी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो गुड न्यूज़ मिल सकता है। खास करके मैं ये बोल सकता हूँ कोई प्रपोजल मिल सकता है, आउट ऑफ द ब्लू कोई मिरेकल मिल सकता है। बट मेनली जो चीज़ है मेष राशि वालों के लिए, जो कंसर्निंग फैक्ट है, कि आप लोग बहुत इमोशनल हो रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हो। इतना ज़्यादा नर्वस और इमोशनली चार्ज नहीं होना चाहिए। हाँ, पता है कि आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हाई है, तो एक न्यूट्रल अप्रोच लीजिए, एकदम बैलेंस्ड अप्रोच लीजिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि किस चीज़ के लिए आप बने हो। अभी कोई भी लेजीनेस, कोई भी पास्ट चीज़ें, कोई भी एक्सटर्नल चीज़ें आपको सैड बना सकता है, आपको स्लो बना सकता है। सो आप लोग एरीज हो, आप लोग हो द बर्थ ऑफ द ऑल जोडियक, यू नो खुद के अंदर के जो पावर है, जो पैशन है, इसको री इन्वेंट करिए। आपको पता है कि आप कैसे जा रहे हो, आपको पता है कि आपको कौन सा गोल चेज करना है, आपको पता है कि आप अपने मास्टर हो, आप अपने डेस्टिनी के मास्टर हो। सो मैं देख सकता हूँ कि अगर आपको डर लग रहा है चेंज
को एक्सेप्ट करने में, तो प्लीज़ मत डरिए, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको डर लग रहा है कोई नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करने में, प्लीज़ रिलेशनशिप को स्टार्ट कीजिए। अगर आपको डर लग रहा है कि एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करने के लिए, या फिर आपके परसेप्शंस यानी कि आपके जो मेंटल कन्फ्लिक्ट उसको हटा के जो चीज़ आपके अंदर से आ रहा है कि हाँ कोई चीज़ सही हो सकता है, बट आपके एंग्जाइटी बोल रहा है कि नहीं कैसे सही हो सकता है, बट जो पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। कहीं ना कहीं डिवाइन आपको पुश कर रहे हैं एरीज, और आप एक पॉजिटिव डोमेन पे चले जा रहे हो, या तो आप खुद उस डोमेन पे चले जा रहे हो या फिर आपको धक्का देके उस डोमेन पे लेके जा रहा है यूनिवर्स। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ एक टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हो, आने वाले टाइम पे कुछ बहुत बड़ा सफलता आपके हाथ में आ रहा है, तो इस टाइम यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत करीब हो। इस टाइम पे कोई भी इधर उधर बात मत करो, कोई भी इधर उधर चीज़ों के ऊपर मत फोकस करो, उतना ज़्यादा इमोशनल मत हो जाओ, सेंसिटिव मत हो जाओ, दिमाग लगाओ, एंड कहीं ना कहीं आपके सोल जो डिजर्व करते हैं, आपके जो परमात्मा जो चीज़ डिजर्व करते हैं वो चीज़ आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से कोई सैड बात भी अगर आपके जहन में आ रही है तो उसको हटा दीजिए, आने वाले टाइम के लिए आप प्रिपेयर रखिए खुद को कि आपको और भी अच्छे से मोटिवेट करना है खुद को, एंड आपको दूसरों को लीड करना है। कहीं ना कहीं आप एक इंस्पिरेशंस बन रहे हो, कहीं ना कहीं आप दूसरों को मदद कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप किसी को अपने नेगेटिविटी से हील कर रहे हो। अगर आपके कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर एक पैशन आ रहे है, और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कोई नए फ्रेंड के साथ आप मिल रहे हो ऑनलाइन पे। अगेन ऐसा हो सकता है कि ऑनलाइन पे ही आप काम करना स्टार्ट कर रहे हो, कोई वर्क फ्रॉम होम, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ दिन के लिए आपको कोई एक्सटर्नल प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर किसी फ्रेंड्स का कुछ काम में आप हाथ बटा सकते हो। कोई भी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, एंड एट द सेम टाइम आपके अंदर क्षमता है कि कोई भी नेगेटिविटी को आप हटा सकते हो। सो बार बार अगर डाउटफुल हो रहे हो, डाउट का कोई चांस ही नहीं। एरीज, इसके साथ आपकी ये मिनी रीडिंग को ख़त्म करता हूँ, चलता हूँ मैं नेक्स्ट ज़ोडियक साइन के पास। ओके, सो माय ब्यूटीफुल लियो यानी के सिंह, सो अगर आपके बर्थ डेट है 23 जुलाई से लेके 22 अगस्त के अंदर, अगर आपको अपना राशि के बारे में पता नहीं तो हो सकते हैं आप सिंह राशि के अंदर हो, या फिर अगर आपको लगता है कि आप सिंह राशि के जातक हो या फिर जातिका हो तो आप देख सकते हो। लेट्स सी, जय मां काली, जय बाबा काल भैरव। सिंह राशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आने वाले टाइम में कैसा रहेगा? डेथ, ओके, ओके, फाइव ऑफ कप्स, यस सन, ओह माय गॉड। सो सिंह राशि वालों, आपके लिए यूनिवर्स एक मैसेज स्वीट एंड सॉफ्ट दे रहे हैं कि जो चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डर रहे थे आपको, और डरना नहीं हुआ, कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ एक मेजर शिफ्ट हुआ लियो के लाइफ में। एक दरवाज़ा बंद हो गया बट एक दरवाज़ा खुल गया। मैं देख सकता हूँ कि लियो आपके क्रिएटिविटी बढ़ जा रहा है, बट आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो डर रहे हो कि कैसा होगा फ्यूचर, कैसा होगा स्टेबिलिटी, क्या पुराने पर्सन लौट के आएंगे, या फिर कुछ क्या कुछ नई चीज़ आपको मिलेगा, क्या आप अकेले ही रहोगे। आप गलत हो, देखिए आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे और आपको यूनिवर्स ने कुछ अटैचमेंट से हटाया है। सो ऐसा हो सकता है कि एक टेम्पररी चेंज आप अभी महसूस कर रहे हो लियो, और ऐसा आपको लग सकता है कि पूरा चीज़ गड़बड़ हो गया, आप बहुत ज़्यादा अकेले हो गए, कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, जॉब लॉस हो गया, या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशंस में आप आ गए जहाँ पे आप इमोशनली ट्रॉमाटाइज्ड हो गए, या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन हुआ यानी कि डिवाइन ने कुछ लेके आए जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा डर गए, जिस चीज़ से आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ चेंजेस आ गया, हो सकता है लव रिलेशनशिप में, या फिर हो सकता है अपने आपके जो फाइनेंस में, या फिर हो सकता है आपके सोशल बिलोंगिंग्स में। कुछ ऐसा हो सकता है किसी का डेथ आप देखे हो, या फिर रिसेंटली आपके फैमिली मेम्बर्स का कुछ डेथ हुआ है। जो भी है, जो भी सिचुएशंस है, वो सिचुएशंस होना ही था, वो सिचुएशंस को हम और आप नहीं टाल सकते थे, बट
जो सिचुएशंस आ रहे हैं उस चीज़ के बारे में आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा। कहीं ना कहीं एक मेजर ब्रेक थ्रू आ रहे हैं और ये ब्रेक थ्रू आपके लाइफ को नहीं, आपके पूरे लाइफ टाइम को चेंज कर देंगे। आई थिंक अभी शायद आपको पता नहीं चल रहे माई ब्यूटिफुल यू सिंह राशि वालों को कि कैसे आप आगे बढ़ोगे, बट यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए कुछ ब्यूटिफुल मिरेकल्स लेके आ रहे हैं। यहाँ पे कमिटमेंट आ जाएगा, यहाँ पर रिकन्सिलिएशन आ सकता है, यहाँ पे आपका बेस्ट सूटेबल जॉब आपको मिल सकता है, फाइनली आप अलाइंड हो जा रहे हो अपने लाइफ के साथ। लियो का कार्ड और सन मिला है, कोई चीज़ जो चीज़ को आपको लगता था कि वो सीक्रेट है, या फिर आपको लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, या फिर आपको लग रहा था कि आप केज्ड हो, आप फुल्ली काम नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपको आपके हायर अथॉरिटी से डर लग रहा था, या फिर ऐसा लग रहा था कि घर में आपका कोई नेगेटिव चीज़ हो रहा है, तो उससे आपको छुटकारा मिल रहा है। आपके पास्ट कार्मिक कॉर्ड से आपको छुटकारा मिल रहा है। माय ब्यूटीफुल लियो गाइस, आई थिंक आप लोग एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो और वो न्यू बिगिनिंग फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, फुल ऑफ अबंडेंस, फुल ऑफ हैप्पीनेस है। कुछ कुछ चीज़ें आपको रिमाइंड करना है कि देखिए, पास्ट को पास्ट की तरह सोचिए, यानी कि जो चीज़ आपके साथ हुआ है उस चीज़ को उसी की तरह सोचिए। अननेसेसरी पास्ट को ब्रिंग मत कीजिए अपने प्रेजेंट में, अननेसेसरी कोई पास्ट को अच्छे करके नहीं सोचिए, और मेरे ख्याल से ओवर एम्फोसाइज मत कीजिए, यानी कि ओवर थिंक मत कीजिए। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको अपने जो भी सैड फेज चल रहा था, जो भी नेगेटिविटी चल रहा था, उससे ओवरकम करके आपको आगे बढ़ना ही है। सो जो भी एफर्ट्स आपको लगाना है वो है आपके माइंड को आपको पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव दिशा में आपको ट्रांसफर करनी है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि अगर आप कोई मेडिटेट करते हो, सूर्य मंत्र करते हो, या फिर कोई भी कवच मेडिटेशंस करते हो, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। स्पेशली अगर आप वाटर के सामने मेडिटेट करते हो, या फिर एक बोल ऑफ वाटर के सामने मेडिटेट करते हो, अच्छा हो सकता है। अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ जाइए और नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। अगर आप चाहते हो कि कुछ दिन आप अकेले रहोगे तो प्लीज़ ये जो थॉट्स आपके आ रहा है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आपको पता चल रहा है कि कुछ चीज़ आपके लिए नहीं बनाए, या फिर कोई चीज़ के लिए आप नहीं बने हो, आपको एक अर्जेस आ रहे हैं कि खुद को अपग्रेड करने का, खुद के कुछ नए स्किल्स को बढ़ाने का, नई नॉलेज को बढ़ाने का, नए तरीके से लाइफ को ट्राई करने का, नए रिलेशनशिप पे जाने का, पुराने सारे जजमेंट्स, पुराने सारे जो भी रॉन्ग जजमेंट आपके ऊपर इम्पोज किए थे कोई, उसको हटा के आप कम्प्लीटली एक न्यू आइडेंटिटी बना रहे हो। और ये जो चीज़ हो रही है, एक मेजर चेंजेस आ रहे हैं लियो, इसीलिए शायद आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डरे हुए है। तो मैं देख सकता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हो, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं पता चल रहे, यूनिवर्स आपको बोल रहे कि ट्रस्ट इन द टाइम, इस टाइम पे आपको ट्रस्ट करना है, जो टाइम पे आपको कुछ करना है वो टाइम आपके सामने आएगा, और उस टाइम पे आप खुद ही डिसाइड करो। मेरे ख्याल से यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा रखने के लिए, मेरे ख्याल से यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे खुद के डिसीशंस के ऊपर भरोसा रखने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको लोग सपोर्ट कर रहे, अप्रिशिएट कर रहे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे, तो कुछ ऐसे महान काम आप करने वाले हो जिसके वजह से आपको लोग कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए आप काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट में भले आपको अभी कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, या फिर भले आपको लग रहा है कि आप आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ अपने डिवाइन डेस्टिनी से मुंह मत मोड़ लीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत करीब हो, यूनिवर्स आपको टेस्ट ले रहा था कि क्या आप सच में इस चीज़ के लिए ही बने हो, या फिर क्या आप सच में इस चीज़ को अपने आत्मा के साथ कनेक्ट कर पाते हो। कोई भी चीज़ हो सकता है, वो लव हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, वो काम हो सकता है। फिलहाल आपको देखना चाहिए कि लाइफ आपको और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दिया है, या फिर आप ग्रेटफुल हो। कुछ अलग तरीके से आपको यूनिवर्स हमेशा मदद किए हैं, तो अगर आप अभी यूनिवर्स के मदद को विश्वास नहीं करोगे और सिर्फ अपने डर को, अपने एंजाइटी को विश्वास करोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने डिवाइन डेस्टिनी से मिल नहीं पाओगे। तो ये वक्त है जो भी नेगेटिव चीज़ें हुआ है उसको एज अ पार्ट ऑफ लाइफ देखने का, ये वक्त है जो जो चीज़ अभी भी आपके लाइफ में है उसको लेके ग्रेटफुल रहने का, और ये वक्त है नेगेटिविटी को हटाने का, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग की तरफ जाने का। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी सूदिंग, येस ये ट्रांसफॉर्मेशंस, ये चेंज किसी किसी के लिए मैसिव हो सकता है, किसी किसी के लिए थोड़ा सा सैड, बट हम लोग ये जो लाइफ लीड कर रहे हैं किसके लिए, मोक्ष पाने के लिए। हम लोग जो ये लाइफ लीड कर रहे हैं किसके लिए, एनलाइटमेंट के लिए।
तो आप एक एनलाइटमेंट के जर्नी में हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज चला गया है, फाइनली आप फ्री हो गए हो सारे अटैचमेंट से, सारे नेगेटिविटीज से, अभी आप अपने सोल जर्नी के ऊपर फोकस करिए और आपके डेस्टिनी में जो है वो चीज़ को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। भले आपका 5 रिलेशनशिप्स नहीं चला है, या फिर 5 जॉब्स नहीं चला है, या फिर आपके लाइफ में कोई मैसिव चेंजेस हुआ है, किसी का डेथ हो गया है, सब ऑल इज फाइन। जो भी नेगेटिव डार्क फेज था वो ख़त्म हो गया है, अभी आपको धीरे धीरे ग्रो करना है, धीरे धीरे अपने डिवाइन डेस्टिनी के पास जाना है। इसी के साथ लियो के ये रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ, चलता हूँ धनुराशि के पास। चलिए, सो अगर आपके धनुराशि वालों, अगर आपके बर्थडे है 22 नवंबर से लेके 21 दिसंबर के अंदर, तो ये आपके राशि है। ये उन्हीं लोगों के लिए जो लोगों को अपने राशि के बारे में कोई पता नहीं, अगर आपको लगता है कि आप धनुराशि में से हो तो प्लीज़ ये रीडिंग आपके लिए है, भले वो इंडियन हो वेस्टर्न हो। अगर आपको लगता है कि आप धनुराशि के अंदर बिलोंग करते हो तो ये आपके लिए। चलिए देख लेता हूँ, जय माँ काली, जय बाबा काल भैरव, धनुराशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, धनुराशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, धनुराशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, धनुराशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, 9 of Wands एंड Queen of Wands, वाओ। ओके, सेवन ऑफ कप्स सजिटेरियस, वाओ, सिक्स ऑफ कप्स। सो माय ब्यूटीफुल सजिटेरियस, आपके लिए एक मैसेज है कि देखिए आप ना उतना ज़्यादा मत डरिए, आप बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सोच रहे हो, नेगेटिव लोगों से छुटकारा पाने के लिए सोच रहे हो। आई थिंक आपके फैमिली में कुछ ऐसा डिस्कशन हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसे टॉपिक में बात हो रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि फैमिली वाले आपको समझ नहीं पा रहे, फैमिली वाले आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, और आपको भी लग रहा है कि आप इनसिक्योर हो, आपको भी लग रहा है कि आप भी कुछ खुद सोच नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसे मतलब एक ऐसे प्रोलॉन्ग कुछ इश्यूज है, वो शादी के लिए हो सकता है, वो करियर के लिए हो सकता है, वो फ्यूचर के लिए हो सकता है, जो प्रोलॉन्ग इशू आपको बहुत दिन से तंग करके रखा है धनुराशि वालों, ये 9 महीने से हो सकता है, लास्ट ईयर से हो सकता है, या फिर लास्ट 9 ईयर से भी हो सकता है। आई थिंक वैसे कुछ इश्यू से लड़ते 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 आप थक गए हो, और आज आप एक मैजिकल एंटिटीज के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़ को। सो आई थिंक एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस धनुराशि वालों, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, खुद के सेल्फ वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट कर रहे थे, एंड खुद के हक के लिए लड़ रहे थे, किसी को कन्विंस नहीं कर रहे थे, बट अपना काम के ऊपर फोकस कर रहे थे। बट मैं देख रहा हूँ कि बहुत क्रिटिसिज्म आप सहे हो अपने फैमिली से या फिर लोगों से, और बहुत बार खुद को प्रूव करके भी लोग आपको वो वैल्यू नहीं दिया है, तो अभी आप लोगों को कन्विंस करना बंद कर दे रहे हो, ये एक बहुत मैसिव चेंजेस है, और आप अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस कर रहे हो, और फुल्ली आप अपने सोल जर्नी के ऊपर फोकस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि आपके अंदर जो पावर है वो है विजडम, आपके अंदर जो पावर है वो है करेज, और आपके अंदर जो पावर है वो है आपके खुद के मैनिफेस्टेशंस। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर से एक कोई नए रियलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस रियलिटी में आप अपने हॉबीज को पूरे करोगे, उस रियलिटी में आप अपने जो भी गोल्स है उसको पूरे करोगे। आई थिंक कोई चीज़ को लेके आप परस्यू कर रहे हो, कोई चीज़ को लेके आप आगे बढ़ रहे हो। मेरे ख्याल से अभी तो आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो, क्योंकि आपके सामने बहुत ऑप्शंस है, या फिर यूनिवर्स आपके सामने बहुत डोर्स ओपन कर दे रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो चीज़ के लिए आप बने हो वो चीज़ को आप डिसाइड कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है धनुराशि वालों कि एक ब्रेकअप के बाद आप सोशल मीडिया पे गए हो बहुत दिन के बाद, और इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि मैट्रिमोनियल साइट पे गए हो, बहुत ज़्यादा रिश्ता आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, या फिर एक जॉब को जॉब से दूसरे जॉब पे आप मूव करना चाहते हो, इसीलिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं। इस ऑप्शंस में से आप एक बहुत सही ऑप्शंस को चुन रहे हो। मेरे ख्याल से लाइफ में आप एक चीज़ समझ गए हो कि आप खुद के बैकअप खुद हो,
कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि अपनों से सपोर्ट नहीं मिला, फ्रेंड से सपोर्ट नहीं मिला, सोसाइटी से सपोर्ट नहीं मिला, तो आप अपने रियलिटी को खुद बदलने के लिए सोच रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, आई थिंक कोई चीज़ को लेके आप सपने देख रहे हो और उस चीज़ को आप रियलिटी में बदलना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपको कई कबार लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, कई कबार आपको लगता है कि इतना ज़्यादा नेगेटिविटी को, लोगों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते 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 आप थक जा रहे हो, कई कबार आपको लगता है कि आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो या फिर आप नहीं कर पाओगे, बट फिर से आप खुद को एक सर्वाइवर के रूप में देख रहे हो और खुद को मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुद को पुश कर रहे हो, फिर से उठ रहे हो एंड नए गोल्स बना रहे हो, नए एंथुसियाज्म के साथ चल रहे हो, उत्साह के साथ चल रहे हो एंड अपना जो भी डेडलाइंस है उसको कंप्लीट कर रहे हो। मेरे ख्याल से आप क्रिएटिव वे में आपके लाइफ को आगे लेके जाने के लिए सोच रहे हो, बट आपके पास अभी तो ऑप्शंस नहीं है, बट सही टाइम आने में सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। बट द फनी एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज ये जो कैओस है, ये कैओस एक्चुअली आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये कैओस आपको खुद के बारे में बहुत अच्छे एक रियलाइजेशंस दे रहे हैं और आपको भी वो न्यू रियलाइजेशंस मदद करेंगे अपने आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये जो ख़राब टाइम या फिर चैलेंजिंग टाइम के अंदर आप थे, ये चैलेंजिंग टाइम में आप बहुत कुछ सीखे हो या फिर सीख रहे हो और यही एक्सपीरियंस के साथ ज़िंदगी में आप आगे बढ़ोगे। मैं देख सकता हूँ कि आपका कोई रिश्ता आ रहा है, शादी का चांस हो सकता है, घर में किसी का प्रेगनेंसी का न्यूज़ मिल सकता है, या फिर बहुत दिन से अगर किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे या फिर किसी फ्रेंड्स के आने के लिए वेट कर रहे थे, तो ये हो सकता है कि आपके कोई पुराने फ्रेंड्स आपको प्रपोज करें, रिकन्सिलेशन हो रहे हैं। अगर आप सेपरेटेड थे तो फाइनली आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं। अगर आप ड्रीम्स देख रहे हो, रिपीटेटेड नंबर्स देख रहे हो या फिर साधना कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यकीन मानिए कि आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो अगर आप 6661112227774299919193333 देख रहे हो, डेफिनेटली आपके क्रिएटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं और आपके लाइफ में आप अभी आप कंट्रोल कर रहे हो अपने डेस्टिनी को। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके इनर चाइल्ड को बचा के रखिए। हर टाइम पे लाइफ में सीरियस नहीं होने का है, हो सकता है कि आपकी जो रियलिटी है लाइफ का, वो रियलिटी आपको एक अलग पर्सन में बदल दिया है, बट आपको थोड़ा बहुत आपके क्रिएटिव फ्रीडम के बारे में भी सोचना है रिलैक्स करके। हो सकता है कि आपको मूवी के लिए जाना चाहिए, रेस्टोरेंट के लिए जाना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ मीट करने के लिए जाना चाहिए। हो सकता है कि आप घर में खुद को बंद करके रखे हो, हो सकता है कि अभी आपके सामने बहुत ज़्यादा काम है बट ये काम को आप ही बनाए हो, हो सकता है कि आप अपने सेल्फ इम्पोज थॉट के साथ बहुत कंफ्यूज हो सकता है एक नॉर्मल सिचुएशंस को आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। इतना ज़्यादा एज्यूम मत कीजिए, इतना ज़्यादा दिमाग यूज़ मत कीजिए, क्योंकि चीज़ें उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। सिंपल बात है कि अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो और बार बार सोच रहे हो और बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ठीक है, बट आप एक काम कर सकते हो, एज अ गाइडेंस मैं बोल रहा हूँ कि उसी पर्सन को ही पूछ लो ना कि वो क्या चाहते हैं, या फिर इनडायरेक्टली किसी का सवाल कर लो, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो बट है बहुत ही स्वीट चीज़ है। सो अगर आप कोई भी चीज़ के लिए नेगेटिव सोच रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मैंने ये चीज़ किया तो इसके लिए वो क्या सोच रहे हैं, शायद वो मेरे को ख़राब सोच रहे हैं, शायद ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब आपके अजम्पशन है, ऐसे बिल्कुल नहीं है, रियलिटी बहुत अलग है। तो हो सकता है कि आपका हेल्थ इश्यू हो रहा है, ओके, और आप सोच रहे हो कि शायद आपका कुछ हो गया है, ये हो गया, एक बार टेस्ट करवाने से क्या हो जाएगा कि आपको रिलीफ हो जाएगा कि नहीं मैं तो पूरा एकदम कूल हूँ, मैं तो मेरा तो कोई खराबी सीन ही नहीं है, मेरा तबीयत क्यों ख़राब है। सो आई थिंक अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है कि मेरे ये हो गया है या फिर कोई ऐसे किया है या फिर कोई मेरे ऊपर बहुत गुस्से में है या फिर गुस्से में आके कोई मेरे को कुछ बोल दिया है, शायद मेरे वजह से ही कुछ हुआ है, ये सिचुएशंस पे आपको क्लैरिटी मिल जा रहा है और एक बहुत अच्छा रिलीफ मिल जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है माई ब्यूटिफुल सजिटेरियस कि आपके अंदर एक डिवाइन क्रिएटिव फोर्स है, आपके अंदर पावर है, बट उस पावर को आप शायद समझ नहीं पा रहे हो सकता है कि अनरियलाइज्ड पावर, और वो इसीलिए समझ नहीं पा रहे हो तो हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड कंडीशनिंग या फिर आपके जहाँ पे आप काम करते हो फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं ये लोग उतना ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं किया है, उतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं किया है, उतना ज़्यादा मोटिवेट आपको नहीं किया है, तो इसीलिए शायद आप अभी बहुत लोनली महसूस कर रहे हो, इसीलिए शायद आप अभी बहुत अकेले महसूस कर रहे हो, इसीलिए शायद आप अभी हेल्पलेस महसूस कर रहे हो। बट आने वाले टाइम में मैं देख रहा हूँ ये सारे ऑप्शंस को हटा के आप एक प्रॉपर चीज़ को चूज़ कर रहे हो जो आपके सोल के साथ रेजोनेट करते हैं,
एक ऐसे पथ को चूज करें जो आपके परमात्मा के साथ सिमिलर है, एंड एट द सेम टाइम कोई चीज़ को आप हटा दे रहे हो जो चीज़ के साथ आप खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक ऐसा है कि कोई फ्रेंड बहुत दिन से आपके लिए वेट कर रहे हो और आपको किसी को कॉल करना है, एट द सेम टाइम अगर कोई कॉल आपको करे तो उसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हो कि आपको रिलैक्स करने का नहीं मौका मिल रहा है, तो प्लीज़ टेक अ ब्रेक एंड हैव अ गुड टाइम। ओके, सो इसी के साथ इस फायर एलिमेंट के रीडिंग को ख़त्म करता हूँ और चलता हूँ मैं नेक्स्ट एलिमेंट, वो है अर्थ एलिमेंट के पास। और अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही जोडियक साइन वाइज रीडिंग अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिए। मिल रहा हूँ आप लोगों के साथ विद द पाइल नंबर 2। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो, यानी कि वृषभ कन्या एंड मकर, तो ये पाइल आपके लिए है। यस, और आपको मैं बोल दूं कि यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है कि आपके राशि क्या है, सो अगर आपके बर्थ डेट है 20 अप्रैल से लेके 20 मई के अंदर, तो आप वृषभ हो। ये उन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों को पता नहीं है उनके राशि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बट अगर आपको लगता है कि आप वृषभ हो, या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ आपके इंडियन जोडियक साइन या फिर सनशाइन या फिर मून साइन वृषभ है, सो डेफिनेटली यानी कि चंद्र राशि अगर वृषभ है तो आप ये जोडियक रीडिंग को देख सकते हो। चलिए वृषभ राशि के लिए क्या आ रहा है। ओम क्रीम दक्षिणा काली करम, जय माता काली, जय बाबा काल भैरव। वृषभ राशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आज, वृषभ राशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, वृषभ राशि के लिए क्या मैसेजेस। ओके, पहला कार्ड है विल ऑफ फॉर्चून वृषभ राशि। वाओ, दैट इज अ ग्रेट कार्ड टू गेट। ओके, सेकेंड कार्ड आ गया है नाइट ऑफ वांड्स। वाओ वाओ, वृषभ राशि वालों, इट्स गुड। एंड थर्ड कार्ड आ गया है द स्ट्रेंथ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सो वृषभ राशि वालों के लिए खुशखबरी ये है कि आप लोगों के भाग्य बदल रहा है। विल ऑफ फॉर्चून का कार्ड मतलब क्या है कि कुबेर देवता माँ लक्ष्मी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वृषभ राशि वालों, शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें था जो स्टक था। आप अपने फुल्ली पोटेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो। मेरे ख्याल से आपके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें था जो चीज़ शायद आप सोच नहीं पा रहे थे। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ के लिए बने हों और आपको भी अंदर से पता था कि वो चीज़ आपके लिए बना है, बट आप ट्राई नहीं कर रहे थे, या फिर आप खुद को बंद करके रखे थे, या फिर आप खुद को डिफरेंट तरीके से देख रहे थे। अभी आपको यूनिवर्स प्रॉपरली अलाइन किए है अपने पावर के साथ। हार्ड वर्क इज़ योर पावर, तो आप अपने हार्ड वर्क को काम पे लेके आ रहे हो, आप अपने नॉलेज को काम पे लेके आ रहे हो, आप अपने भाग्य को खुद बदलने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे पेंडिंग टास्क कंप्लीट हो जा रहा है, जो भी पैसा काइंड ऑफ आपको मिलने वाला था वो नहीं मिल रहा था तो मिल जाएगा। कोई जॉब ऑफर अगर स्टक था तो जॉब ऑफर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रहा है, बिजनेस पे बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। अगर आप कोई नए जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी डील किए हो, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत अच्छा है। शेयर ट्रेडिंग में मैं देख सकता हूँ कि आपका प्रॉफिट बढ़ जा रहा है। मेरे ख्याल से रियलाइजेशंस भी हो रहा है आपके खुद के अंदर। आई थिंक नाइट ऑफ वांड्स आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं वृषभ राशि वालों, कि आप अपने पावर को समझ पा रहे हो कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे लोगों के कंपटीशंस को सबोटेज करके आगे बढ़ना है। आई थिंक यहाँ पे लोग आपको डरा रहे थे और लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, बट अभी आई थिंक आप किसी के मैनिपुलेशन से बाहर आ रहे हो। आप जो भी नेगेटिव चीज़ें खुद के बारे में सोच रहे थे, अभी आप खुद को प्रूफ करने के लिए आ रहे हो। अभी कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में नहीं है, क्योंकि अभी आप प्रॉपरली अलाइंड हो। मेरे ख्याल से कोई ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत जेलस थे और जो लोग नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़े, तो आई थिंक इन लोगों के मैनिपुलेशंस के चक्कर में आप खुद को बंद कर दिए थे। मेरे ख्याल से आपने बहुत जेलसी देखे हो, आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हो, और इसीलिए अभी आपका जो अप्रोच होगा ये बहुत ऑथेंटिक अप्रोच होगा। आई थिंक आप अपने ऑनेस्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक आप अपने डर को फेस किए हो। आई थिंक आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो। तो ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स मतलब क्या है, ये नाइट
एकदम क्लियर है अपने गोल को लेके. तो वृषभ राशि वालों, आई थिंक आप लोग कोई नए चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो. आई थिंक आप लोग एक नए अप्रोच ले रहे लेके चल रहे हो. आई थिंक एक रिलेशनशिप में आप किसी को हाँ बोल रहे हो या फिर कोई आपको प्रपोज कर रहे. आई थिंक ये जो डायमेंशंस पे आप जा रहे हो, इस डायमेंशंस पे आपको पता चल रहा है कि आपके यूनिक पावर क्या है, और आपको पता चल रहा है कि लोग आपको क्यों पसंद करेंगे. आपको पता चल रहा है कि आपके सोल पर्पस क्या है. आपको पता चल रहा है कि कोई सिचुएशंस में कैसे विक्ट्री आप ले आ सकते हो, कोई सिचुएशंस में कैसे आप दूसरों को हरा सकते हो. मैं देख सकता हूँ एक कंपटीशन सेट कर रहे हो, और आप में से बहुत सारे लोग कंपटीशन से बाहर भी जा रहे हो. क्यों बाहर जा रहे हो आप लोग? क्योंकि आप लोग पहले सोचे थे किसी चीज़ों को फॉलो करने के लिए, और सोचे थे किए भी थे, थोड़ा बहुत बेनिफिट भी आपको मिला था, बट अभी आप लोग सोच रहे हो कि खुद कंपटीशन क्रिएट करेंगे. आई थिंक आप लोग एक ऐसा पैरामीटर सेट कर रहे हो कि लोग बाद में आपको शाबाशी देंगे और लोग बाद में आपको फॉलो करेंगे. वृषभ राशि वालों, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे बहुत नए नए चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो एफर्टलेसली. आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे बट कुछ नहीं हो रहा था. फाइनली आप आउटकम के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप अपने जर्नी के बारे में सोच रहे हो. फाइनली आप अपने रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप अपने रियलाइजेशंस के बारे में सोच रहे हो. फाइनली आपको पता चल रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशंस पे, और आप फ्यूचर के बारे में सोच के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने प्रेजेंट को बेहतर करना सीख गए हो. आई थिंक ये एक बहुत प्यारा अप्रोच है, फास्ट अप्रोच है, ब्रेव अप्रोच है, एंड करेजियस अप्रोच है. और इस ब्रेवरी एंड करेजियस अप्रोच के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो सक्सेस इज गारंटेड. यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि हेल्थ इश्यू इम्प्रूव हो जा रहा है, खास करके फैमिली में. अगर आपको लगता है कि कोई स्पेल किए है या फिर कोई साइकिक अटैक आपके ऊपर हुआ है, वहाँ से आपको छुटकारा मिल जा रहा है. फुलेस्ट पोटेंशियल के साथ आप आ रहे हो, ये लियो सीजन चल रहा है. सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं. आप जिस देवता या फिर देवी का पूजा कर रहे हो, वहाँ से आपको स्ट्रेंथ मिल रहा है. आई थिंक स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड हो गए हो, और आई थिंक आपका जो डर था वो चला जा रहा है. अगर आप लाइफ में बहुत रिसेंटली कुछ पैनिक हो गए थे, या फिर रिसेंटली आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हिट कर रहा था, या फिर एंग्जाइटी हिट कर रहा था, या फिर पैनिक अटैक्स आप फील किए थे, वहाँ से छुटकारा मिल रहा है. आई थिंक एक हीलिंग आपको मिल रहा है. आई थिंक आप अपने न्यू जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, और ऐसा हो सकता है रिलेशनशिप चेंज हो रहा है. आप अपने खुद के सोल के बारे में सोचना स्टार्ट किए हो, इनर वर्क करना स्टार्ट किए हो, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किए हो. आई थिंक बहुत मेजर चेंज आ रही है आपके केमिस्ट्री के साथ. आई थिंक वृषभ राशि वालों, आप किसी के मैनिपुलेशंस के शिकार हो रहे थे, यानी कि आपको लग रहा था कि उसके बिना आपका लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगा, या फिर कोई चीज़ के बिना आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगा. बट फाइनली आप एक चीज़ सीखे हो कि इस दुनिया में आपके अंदर एक ऐसा पावर शनिदेव ने दिया है, वीनस ने दिया है, शुक्रदेव ने दिया है, एंड जुपिटर ने दिया है, जो आपको बहुत ही शक्तिशाली पर्सन में बदल दे रहे हैं. आई थिंक आप पहले खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, और आप दूसरों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे, अपने फियर को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे. बट फाइनली वृषभ राशि वालों, अब अपने इनर वैल्यूज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो. फाइनली अब अपनी सोल सर्चिंग को प्रायोरिटी दे रहे हो. फाइनली अब अपने इंट्यूशंस को प्रायोरिटी दे रहे हो. फाइनली एक डिसीजंस ले रहे हो. फाइनली आप खुद को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो. आई थिंक आपने किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए ठान लियो, कोई गोल सेट कर रहे हो. आई थिंक आप अपने अंदर का डर को फेस किए हो, और अभी आप बोल रहे हो जो होना है हो जाए, मैं तो ये चीज़ करूँगा ही. स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकता है, कुंडलिनी जागरण भी हो सकता है. तो अगर आप शक्ति की पूजा कर रहे हो, यहाँ पे माँ आपको डायरेक्टली बात आपसे डायरेक्टली बात करे, आपको प्रोटेक्ट करे. इस लाइफ टाइम के अंदर जो भी कार्मिक बैगेजेस था, इस चीज़ को आप क्लियर कर रहे हो. इस लाइफ टाइम के अंदर जो भी आपके नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस था कर्मा की वजह से, उस चीज़ को अभी क्लियर किए हो. आई थिंक लाइफ में आपको एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है, लाइफ में आपको एक प्रॉपर तरीके का इंफॉर्मेशंस मिल रहा है, और ये इंफॉर्मेशंस डिवाइन ने प्रोवाइड करे. हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए आई ओपनर रहेगा. आई थिंक येस, एक आई ओपनिंग इंसिडेंट होने वाला है जो आपके लिए बहुत अच्छा है. सो मैं देख सकता हूँ कि एक डिवाइन इंटरवेंशन, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ आपके लाइफ के साथ हो रहा था जो चीज़ यूनिवर्स पसंद नहीं कर रहे थे, एंड आप भी उस चीज़ को आपको लग रहा था कि ठीक है चल रहा है चलने दो, बट ये ठीक है चल रहा है चलने दो वाला मोड ऑफ हो गया है. आई थिंक ये ऑफ करवाए है यूनिवर्स ने, क्योंकि अगर आप
मैं देख रहा हूँ कि अगर आप सेफ खेलने की कोशिश करें थे, यूनिवर्स आके आपको बैटल ग्राउंड पे लेके आए, और यहाँ पे अभी आप सेफ नहीं खेलोगे, अभी आप लड़ोगे, अभी आप जीतोगे, एंड अभी आप अपने पावर को यूज़ करते हुए आगे बढ़ोगे। पहले आपको लग रहा था कि शायद लोग जो बोल रहे हैं वो सही है, बट अभी आपको लगेगा कि आपके मन जो बोल रहे हैं, आपके परमात्मा जो बोल रहे हैं वो सही है। कहीं ना कहीं परसेप्शंस के जो चेंजेस है ये आपको विनर बना दे रहे हैं, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल जा रहे हो आप लोग, एक लीडर बन जा रहे हो आप लोग, एक आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी क्रिएट हो रहे हैं। रिलेशनशिप में मैं बोल सकता हूँ एक पॉजिटिव रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको हमेशा डर लग रहा था कि शायद आपको कोई छोड़ के चले जाएंगे या फिर वापस नहीं आएंगे, सो एक चांस है रिकंसिलिएशन के। अगर आप एक सिंगल टॉरस हो तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एक नए पर्सन के साथ आपका केमिस्ट्री डेवलप हो जाएगा। अगर एक मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो तो यहाँ पे भी आप एक ऑनेस्टी दिख पाओगे। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कोई सेपरेटेड पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर कोई मैरिड पर्सन आपको कोई मतलब उनके टॉक्सिक मैरिज को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक इट इज़ गोइंग टू बी अ विश एंड विश फुलफिलमेंट जर्नी। आई थिंक अगर आप कोई ऐसे विश रखे थे तो ये विश फुलफिल हो जाए। सेकेंडली, अगर कोई शत्रु को आप आइडेंटिफाई कर रहे थे, या फिर कोई कंपटीटर को आप आइडेंटिफाई कर रहे थे कि ये वो बहुत गलत तरीके से आपको बिहेव कर रहा था, या फिर कोई टॉक्सिक बॉस को आप आइडेंटिफाई किए थे कि ये खुश नहीं था, या फिर बहुत जेलस था, कोई फ्रेंड्स कोई कोलीग, उनका जो बुरा इफेक्ट है वो नलीफाई कर दे रहे हैं माँ। आई थिंक आपके जो इष्ट देवी है शक्ति की, अगर आप पुजारी हो तो मैं देख सकता हूँ कि कोई किसी के बैड विश चला जा रहा है आपके लाइफ से, कोई स्पेल रिमूव हो रहा है आपके लाइफ से, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस हट जा रहा है आपके लाइफ से। सो वृषभ राशि वालों, दिस इज़ योर रीडिंग कि यहाँ पे आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है, आपको अपना स्ट्रेंथ के बारे में सोचना है, और हाँ पेशेंसली वेट करना है किसी चीज़ के लिए, क्योंकि असल टाइम आने में आपको अपना रिवॉर्ड्स मिल जाएगा। सो अगेन, अगर आप फ्यूचर के लिए बहुत इनसिक्योर हो रहे थे, या फिर अनसर्टेनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, उतना ज़्यादा सोचने का कोई ज़रूरत नहीं, जो होना है वो होगा ही, बट यहाँ पे आपका डिवाइन विक्ट्री आपके लिए वेट कर रहा है, आप सिर्फ काम करते जाओ। ओके, नाउ ओके, नाउ द सेकेंड ज़ोडियक साइन इज कन्या, वर्गो। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपके ज़ोडियक साइन क्या है, तो अगर आपके बर्थ डे 23rd August से लेकर 22nd September के अंदर आते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेता हूँ कन्या राशि के लिए क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ज़ोडियक चेंजेस क्या आ रहे हैं कन्या राशि के लिए। ओह, पेज ऑफ कप्स, ओके दैट इज गुड। एट ऑफ शोल्स, ओके। एंड द मैजिशियन, ओह माय गॉड, इससे बेटर और क्या हो सकता है। सो कन्या राशि वालों, मैं देख सकता हूँ कि आपके अंदर डर भी चल रहा था, कोई चीज़ को लेके आप एक्साइटेड भी थे, आई थिंक आपका एक उम्मीद भी था, एक होप भी था, बट कोई ऐसा सिचुएशन था, उस सिचुएशंस में आपको लग रहा था कि आप उस सिचुएशंस के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते हो, या फिर आपको लग रहा था कि वो सिचुएशंस शायद कुछ छुपा है, या फिर अनसर्टेन है, या फिर कोई पर्सन अपना फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, या फिर कोई पर्सन आपके सामने आके खुली कुछ नहीं बोल रहे हैं, या फिर कोई आपको ब्लॉक किया है, शायद कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर आपके फिनेंस में अचानक क्यों इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है। आई थिंक आप कोई भी चीज़ को लेकर बहुत सीरियस हो गए थे और बहुत एंशियस। मेरे ख्याल से ये एंग्जाइटी के कारण है आपके इमोशंस, क्योंकि आपके जो दिमाग है वो थोड़ा सा रेस्टलेस हो गया था, इधर उधर के सोच आ रहा था, बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, बहुत काम किए थे, बहुत इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्व किए थे, आपके एंग्जाइटी आपको कंट्रोल कर रहा था, एंड देन आपने किए एक बहुत प्यारा सा चीज़, वो है कि आप एक सिचुएशंस को कम्प्लीटली नेगेटिव सिचुएशंस में बदल दिए। ये हो सकता है कि आपके अंदर के डर, ये हो सकता है कि आपके अंदर के एंग्जाइटी, ये हो सकता है कि आपके अंदर का जो फियर, आई थिंक ये आपको ऐसा कर दिया था कि आपके हाथ पैर बंधा है, आपको कुछ आइडिया नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, कुछ आइडिया आपको नहीं मिल रहा है, कोई एक ऐसे सिचुएशंस को आपको अचानक बहुत ज़्यादा डरावने बना दिए थे आप, एंड आप बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। ऐसा हो रहा था कि छोटे छोटे चीज़ को लेके झगड़ा हुआ, और झगड़ा के बाद कोई आपको ब्लॉक कर दिए, ऐसा हो सकता है कि आप किसी को ब्लॉक कर दिए, ऐसा हो सकता है कि कोई मामूली सा इंसिडेंट को आपने इतना ज़्यादा बढ़ाए कि वो यू नो
टी से ताल हो गया, हम लोग बंगाली में बोलते हैं। सो ऐसा ही है कि कोई छोटे मोटे चीज़ को लेके आपने बहुत सोचे, उसके वजह से शायद कल रात आप सो नहीं पाए, या फिर रिसेंटली आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी अटैक यू नो आपको आ रहा है, रिसेंटली आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हो, टेंस्ड हो रहे हो, अननेसेसरी, यहाँ से छुटकारा मिलता है। कैसे? थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहे, तो अगर आप बोल नहीं पा रहे थे या फिर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किसी को समझा नहीं पा रहे थे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ब्लॉक थे तो फाइनली आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है। अगर आपको लग रहा था कि लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं अननेसेसरीली, अगर आपको लग रहा था कि लोग आपसे एडवांटेज ले रहे हैं, या फिर अगर आपको लग रहा था कि लोग आपके यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो फाइनली आपको एक क्लैरिटी मिल जा रही है, ब्रेक थ्रू मिल जा रहा है। आप अपने डर को हटाओगे, आप खुद को इस्टेब्लिश करोगे। एंड सिमिलरली घर में कुछ ऐसे चीज़ें हो रहा था आपके साथ जो चीज़ शायद मैं बोल सकता हूँ कि स्पिरिचुअली एक स्पिरिचुअल लर्निंग लेसन आप लर्न किए हो सकता है कि कोई आपके ऊपर साइकिक अटैक किए थे या फिर नेगेटिव वे में आपको इन्फ्लुएंस किए थे, जो भी था आपको कोई बांध के रखे थे, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशंस भी आपके ऊपर कोई इंटरनल पॉलिटिक्स खेला है, या फिर किसी और के वजह से आप परेशान थे, या फिर कोई किसी और के लिए आप बिजी थे, इतना बिजी थे कि आप खुद के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे। ये ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार में किसी एक पर्सन के लिए आप बहुत बिजी थे, या फिर आप अपने लवर के हेल्थ के लिए बहुत बिजी थे या फिर चिंतित थे। आई थिंक क्या था कि आप कोई सिचुएशंस को सिर्फ मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे और इसीलिए आप बहुत हेल्पलेस हो गए थे, बट वहाँ से आप कंप्लीटली चीज़ों को सरेंडर कर दे रहे हो, वहाँ से आप डिवाइन को बुला के लेके आ रहे हो। ये है मैजिशियंस के कार्ड। सो आप अपने अंदर के जो मैजिक को बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे, आपके अंदर के माइंड पावर को बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे, आपके अंदर के हीलिंग एबिलिटीज़ को बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे। एक टेरिफिक नेगेटिव इंसिडेंट एक कंप्लीट पॉजिटिव इंसिडेंट में बदल जा रहे हैं, आपके एंशियस माइंड हील हो जा रहे हैं, आपके कंप्लीट डार्केस्ट जोन एकदम ब्राइट जोन में बदल जा रहे हैं। आई थिंक ये एक ऐसा पावर है जो शिव जी का पावर है, और आई थिंक महादेव आपके जो डर को एक चुटकी में भगा दे रहे हैं। और ये जो शिव शक्ति का एमलगमेशन है या फिर मिक्स पावर है, मैं देख रहा हूँ कि ये आपको रैपिड डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग से लेके आपके प्रोफेशनल सक्सेस, आपके लव लाइफ के ब्राइटनिंग से लेके एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। मैं देख सकता हूँ कि डिवाइन कॉस्मिक लव आपको मिल रहा है। एक पर्सन जिसको आप बहुत प्यार करते थे बट कभी भी वो पर्सन की तरफ से आपको अगर कोई मैसेजेस नहीं मिला है, या फिर कोई आपको लग रहा था कि शायद रिलेशनशिप ख़त्म हो जा रहा है, या फिर रिलेशनशिप को उतना ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं बचा है, कोई कंप्लीट 360 डिग्री एंगल हो रहा है और वहाँ से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कन्या राशि वालों, आज आप अपने डर से आपको छुटकारा मिल जाएगा परमानेंटली। मेजर लाइफ इंसिडेंट हो सकता है, कोई मेजर रियलाइजेशन आपको हो सकता है, कोई मैसिव डिसीजन आप ले सकते हो, कोई नेगेटिव शत्रु को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड उसको हटा सकते हो। मैं एक और भी एक चीज़ मेरे जहन में आ रहा है, अगर कोई आपको साइकिक वे में अटैक करना चाहता था तो मैजिक रिवर्स हो गए। तो अगर आप अचानक किसी को मतलब मान लीजिए कि आप सस्पेक्ट अगर कर रहे थे कि कोई आपके बारे में बहुत बुरा सोच रहे हैं, फिर कुछ बहुत बुरा किए हैं, उसके कुछ खराब रिजल्ट्स के बारे में आपको आज पता चलेगा। हो सकता है कि वही पर्सन का कुछ हुआ है या फिर वो कुछ लॉस फेस किए हैं, उसके बारे में आपको पता चल रहा है। यानी कि यूनिवर्स आपको बोल दे रहे हैं कि जो जो लोग आपसे एडवांटेज लिए हैं, जो जो लोग आपके साथ आपको एक्सप्लॉयट करने की कोशिश किए हैं, जो जो पर्सन ने आपको टेंस्ड किए है, पॉलिटिक्स किए है, उन लोगों को तो सबक मिलेगा ही। और यहाँ पे आपको एक ही चीज़ बोला जा रहा है कि देखो, आप एक डिवाइन डेस्टिनी को चीज़ कर रहे हो, आप इक्विप्ड हो डिवाइन नॉलेज के साथ, यानी कि आपके पास सारे इन्फॉर्मेशन है, आपके पास सारी क्षमता है, आपके पास सारे पावर है, बट कहीं ना कहीं आपको एक्टिवेट करना है, कहीं ना कहीं आपको बैठ के मेडिटेट करना है, कहीं ना कहीं आपको डिस्कनेक्ट करना है ये सोसाइटी के जो भी नेगेटिव आउटसाइड इन्फ्लुएंस से, और आपको आँखें बंद करके सोचना है कि आप आज जहाँ पे हो ये क्यों हो, कैसे हो, कैसे आप अपने पास्ट के ऑब्स्टिकल्स को यू नो हटाए हो, कैसे खुद को आप प्रूव किए हो, कैसे आप खुद को आगे लेके जा रहे हो, कैसे आप कठिन से कठिन सिचुएशंस को हैंडल किए हो। आई थिंक आपको खुद को क्रेडिट देना चाहिए जो क्रेडिट आप नहीं दे रहे हो। आई थिंक आप
बहुत ज़्यादा डर इसीलिए रहे हो क्योंकि डिवाइन के सपोर्ट के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे तो भरोसा करना स्टार्ट कीजिए। एंड एट द सेम टाइम मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो चीज़ आपके लिए बनाए वो चीज़ आपके पास आ रहे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा आप टेंस हो रहे थे, मेरे को ये चीज़ क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रहे, मेरे को वो पर्सन ने क्यों बात नहीं करे, तो फाइनली कोई बात करने वाले। सो ऐसा हो सकता है कि आप जो भी चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे वो आ रहा है। ये रिकन्सिलेशन हो सकता है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, फॉर द फर्स्ट टाइम किसी पर्सन के साथ आप मिल सकते हो, और हो सकता है ये गवर्नमेंट जॉब के ऑफर, हो सकता है कि मच अवेटेड विक्ट्री, हो सकता है कि एक मच अवेटेड डिसीजन। कि अगर आप सोच रहे थे कि कोई पर्सन कोई डिसीशंस लेंगे तो ये आपके फेवर में लेंगे या फिर दूसरों के, तो ये आपके फेवर में होगा। एंड मैं देख सकता हूँ कि घर का कोई बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट को आप सॉल्व कर रहे हो, अगर झमेला हो रहा था बहुत ज़्यादा उसको आप सॉल्व कर दे रहे हो। ओवरऑल वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों, आपके लिए कि ऐसा ही मैसेज आ रहे हैं कि आप लोग अपने माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं आपको डिवाइन देख रहे हैं, आपकी गुड वर्क को देख रहे हैं। आप किसी का कोई बुरा नहीं किए हो, जो भी ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे थे वो था कार्मिक ब्लॉकेजेस, हो सकते हैं पास्ट लाइफ का कोई कर्मा का, बट वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि आपके मंत्र चैंटिंग से या फिर पूजा से या फिर आपके विश्वास से या फिर आपके गुड वर्क से या फिर इस लाइफ पे आपका नेक गोल या फिर ऑथेंटिक सोल पर्पस से वो चीज़ रिमूव हो जा रहा है। फाइनली आप एक टफेस्ट मेंटल एंशियस पीरियड को ख़त्म करके एक बहुत ही पीसफुल पीरियड में आ रहे हो, जहाँ पे चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी दिख जाएगा। सो इसी के साथ कन्या राशि के रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। अब चलता हूँ मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, अगर आपको पता नहीं है कि आपके बर्थ आपके राशि क्या है, तो आपके बर्थ डेट अगर 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अंदर है तो मकर राशि हुआ। ये उन्हीं लोगों के लिए जो लोग अभी तक पता नहीं है कि उनके राशि क्या है। अगर आपको लगता है कि आप मकर राशि हो या फिर आपके सनशाइन मूनशाइन या फिर वेस्टर्न जोडियक साइन कैप्रिकन है, मकर है, तो आपके लिए रीडिंग चलिए देख लेते हैं। ओके, मकर राशि के लिए कार्ड, ओ Two of Cups, okay. Okay, Hangman, great. Oh, Two of Wands. So, Makar Rashi वालों, your wait is over. क्योंकि मैं देख रहा था कि कोई job को लेके आप बहुत परेशान थे, फिनेंस को लेके परेशान थे, लव रिलेशनशिप को लेके परेशान थे। आई थिंक आप लटक रहे थे मकर राशि वालों, कोई सिचुएशंस में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था और आपको लग रहा था कि शायद ये सिचुएशंस आप यूं ही सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक कोई अननोन हेल्प अचानक आके आपको कोई क्लैरिटी दे के जाएगा। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आप किसी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, आपको लग रहा था कि कोई आपको प्यार नहीं करता है, आपको लग रहा था कि फैमिली में भी आपको कोई प्यार नहीं मिलता है, या फिर आपको लग रहा था कि आप जितना लॉयल हो सामने वाले पर्सन उतना लॉयल नहीं है, या फिर आपको लग रहा था कि शायद आपको ज़िंदगी में कभी भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम जॉबलेस रहोगे या फिर एट द सेम टाइम आपको उतना ज़्यादा फिनेंस नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे मकर राशि वालों के लिए एक खुशखबरी ये है कि डिवाइन ने आपके लिए कुछ अलग प्लान करके रखे हैं। आपको एक मैसिव ब्रेक थ्रू मिल रहा है 12 महीने के बाद, 12 महीना यानी कि 1 साल के बाद, या फिर ऐसा हो सकता है कि 12 साल के बाद एक ऐसा लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हो रहा है जो आप सपने में भी नहीं सोचे इन अ गुड वे। मेरे ख्याल से बहुत दिन से जिस क्वेश्चंस का इंतज़ार आप कर रहे थे, जॉब का इंतज़ार कर रहे थे, लवर का इंतज़ार कर रहे थे, वो अचानक आ जाएगा। सो बहुत दिन से कोई काम अगर पेंडिंग था वो आ रहा है, बहुत दिन से अगर आप कोई भी चीज़ को लेके डिसीशंस नहीं ले पा रहे थे तो फाइनली आप डिसीशंस ले रहे हो, किसी से आप विड्रॉ कर रहे हो और किसी के अंदर आप जा रहे हो। आई थिंक एक मेजर ट्रांजिशंस ये हो रहा है कि पहले आप जिस तरीके से सोचते थे अभी आपका सोच बदल जा रहा है, पहले आपके अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशंस था अभी वो चेंजेस आ रहे हैं, ये सोल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। खास करके क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हो तो यहाँ पे डेवलपमेंट आ रहा है। खास करके मैं देख सकता हूँ कि डिवोर्स के लिए अगर आप वेट कर रहे थे, सेपरेशंस के लिए वेट कर रहे थे, तो कोई ऐसा पर्सन
जो आपको कमिट नहीं कर पा रहा था फैमिली की वजह से या फिर पास मैरिज की वजह से, आई थिंक ये आपको कमिट कर देंगे। मेरे ख्याल से जो ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल नहीं था वो ऑप्शंस आपके सामने आ रहा है। डिवाइन ने कुछ अननोन हेल्प सेंड कर रहे, तो कोई अननोन लोग से आपको मदद मिल सकता है, कोई अननोन टेरिटरीज के अंदर आप जॉब कर सकते हो। ऐसा मैं देख सकता हूँ कि आप सोचे थे कि आपके जो जोन होगा वो शायद आपके जाना पहचाना सा जोन होगा, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके एक नई चीज़ ट्राई कर रहे हो जो आप सोचे नहीं थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने थॉट प्रोसेस को बदल दिए हो कि नहीं, मैं पहले आप सोच रहे थे ऐसे मैं काम करूँगा, ये फिर ऐसे मैं लाइफ को लीड करूँगा, ये फिर ऐसे मैं चलूँगा, अभी आप सोच रहे हो कि नहीं जो आ रहा है उसी को एक्सेप्ट करके मेरे को चलना होगा। आई थिंक एक मेजर डिसीजन आप ले रहे हो, रियलाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है, और टू ऑफ वॉन्ट्स के मतलब ये है कि आप बैठ के किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू का कॉल आ रहा है और आप अपने फाइनल इंटरव्यू को पिक कर रहे हो। एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि दो फैमिली के बीच में बात हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि आप खुद किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, कोई नए साधना स्टार्ट कर रहे हो, क्लैरिटी देख रहे हो। ये भी हो सकता है कि स्पिरिचुअल वर्क अब करना बंद कर दिए थे फिर से स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि कोई काम, पुराने हॉबीज़ को आप बंद कर दिए थे बट अचानक आपको लग रहा है कि वो हॉबीज़ को आपको फिर से स्टार्ट करना है, सो रीस्टार्ट कर रहे हो, रीशफल कर रहे हो। आई थिंक लाइफ को आप नज़रिए एक डिफरेंट नज़रिए से देख रहे थे, अभी आप बहुत करीब देख रहे हो, हर छोटे छोटे चीज़ को आप डिटेल में देख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि एक मेजर इंसिडेंट हुआ आपके लाइफ के साथ और वो क्यों हुआ, और वो इंसिडेंट शायद आपको बहुत डरा दिया था, अभी धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिल रहा है, अभी आपको लग रहा है कि नहीं वो चीज़ हुआ कुछ अच्छे के लिए हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत होपलेस हो गए थे, ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा था कि लाइफ में कोई भी डिवाइन सपोर्ट नहीं है, आप अकेले हो, आपका लाइफ एकदम बदतर हो जाएगा, वहाँ से आपको कोई उठा लिया, वहाँ से आपको कोई आगे लेके जा रहे, वहाँ से आपको कोई ऑप्शंस दे रहे, और ये ऑप्शंस आपको हो सकता है कि अपने सिटी से दूसरे सिटीज़ पे लेके जा रहे, एक घर से दूसरे घर पे लेके जा रहे, मेजर चेंजेस हो रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा क्यों इतना जल्दी हो रहा है, ये इसीलिए क्योंकि मेजर कार्मिक ब्लॉकेजेस हट गया है। ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू पास्ट लाइफ कर्मा या फिर ड्यू टू प्लैनेटरी मूवमेंट आपको कोई चीज़ का क्लैरिटी मिल नहीं रहा था, या फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, या फिर अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर पा रहे थे, हमेशा एक डर, हमेशा एक सोच, हमेशा एक यू नो एंग्जाइटी, यहाँ से अचानक एज इफ सब कुछ नॉर्मल हो जा रहा है, सब कुछ बेहतर हो जा रहा है, आप पहले की तरह सोचना स्टार्ट कर दे रहे हो, पहले की तरह बात करना स्टार्ट कर दे रहे हो, फिर से लाइफ में एक नया होप, फिर से लाइफ में एक नया ड्रीम, फिर से लाइफ में एक नया परसेप्शन। वाह, मैं ये देख रहा हूँ कि बाहर की तरफ आप सोच नहीं रहे हो, आप अंदर की तरफ सोच रहे हो। सो जो भी इंटरनल चेंजेस आपके अंदर आया है उसके बारे में आप सोच रहे हो, जो भी इंटरनल अलाइनमेंट आप फील कर पाते हो अभी कि पहले ये नहीं था अभी ये है, पहले आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बातें सुनते थे अभी नहीं, ये सब के बारे में आप लिख रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि आप जर्नलिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कोई ऑफिस वर्क में बहुत बिजी हो, या फिर अपना राइटिंग करियर बढ़ा रहे हो, या फिर कोई सॉन्ग्स क्रिएट कर रहे हो, कोई म्यूजिक क्रिएट कर रहे हो, कोई इंस्टीट्यूशंस खोल रहे हो, कोई शॉप ओपन कर रहे हो जहाँ पे बाहर के लोग आएंगे बट आप अपने अंदर रहोगे। सो आई थिंक आप अपने पैशन को लेके आगे बढ़ रहे हो, आई थिंक कुछ ऐसे चीज़ को लेके आप हमेशा परस्यू कर रहे थे, वो चीज़ परस्यू करना चाहते थे बट ड्यू टू फंड या फिर ड्यू टू कुछ चीज़ों की वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, अभी आपको फंडिंग मिल जा रहा है और उस चीज़ को लेके आप आगे बढ़े। आई थिंक जो चीज़ आपकी लाइफ में पेंडिंग था बट वो चीज़ आपके लिए बहुत खास था बट आप उस चीज़ के ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आप बिल्कुल क्लूलेस थे, आपको कोई भी मौका नहीं मिल रहा था, ना ही आपके पास कोई ऑप्शंस मिल रहा था। फाइनली आपको अपना क्लू मिल जा रहा है, आपको अपना ऑप्शंस मिल जा रहा है, आपको अपना फंडिंग मिल जा रहा है और स्पॉन्सरशिप भी। सो पहले आप जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये सब सोच आ रहा था, इस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिल जा रहा है, इस चीज़ में आपको एक प्रॉपर तरीके का गाइडेंस मिल जा रहा है, इस चीज़ में आपको एक विक्ट्री मिल जा रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि आप कोई लीगल असिस्टेंस आपको मिल रहा है, ऐसा हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल असिस्टेंस मिल रहा है, कोई गुरु के साथ आपका बात हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम था मकर राशि वालों, वो प्रॉब्लम का हल आप निकाल पा रहे हो अपने कोई प्रोफेशनल हेल्प से, या फिर खुद ही खुद के प्रॉब्लम को रेजोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी
कोई चीज़ को पढ़ के या फिर कुछ वीडियोस देख के या फिर कोई चीज़ को सुन के या फिर किसी से बात करके आप कोई एक सल्यूशन निकाल रहे हो। इसी के साथ ये पाइल को ख़त्म कर रहा हूँ, चलता हुआ पाइल नंबर 3 पे। एंड अगर आप लोगों को ये पाइल पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा, प्लीज़ लिखिएगा कि आपके एक्सपीरियंस कैसा है। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो अगर आप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो तो ये आपके लिए है। अगर आप मिथुन तुला एंड कुंभ राशि के अंदर बिलोंग करते हो तो ये आपके पाइल है। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपका राशि क्या है तो मैं बर्थ डेट को भी बोल दूँगा। और ये आपके चंद्र राशि हो सकता है, आप जिस चीज़ को आप मानते हो, लाइक आप अगर आप मानते हो कि आप जेमिनी हो यानी कि मिथुन हो, या फिर अगर आप मानते हो तुला हो या फिर कुंभ हो, तो यही आपकी राशि है। सो देख लेते। तो अगर आप एक जेमिनी पर्सन हो, मिथुन राशि वालों हो, आपका बर्थ डेट है अगर 21 मई से लेकर 21 जून के अंदर, सो ये आपकी राशि के रीडिंग। चलिए देख लेते। जय माँ काली, जय बाबा काल भैरव, बोल दीजिए जेमिनी वालों के लिए क्या रीडिंग। ओके, पहला रीडिंग है 10 ऑफ शोर्स। ओके, दूसरा रीडिंग यहाँ पे आ गया है 8 ऑफ कॉइन्स। ओके ग्रेट, एट ऑफ पेंटिकल्स। एंड तीसरा रीडिंग आ गया है, ओ माय गॉड द वर्ल्ड, वाओ दैट इज ब्यूटीफुल। सो मिथुन राशि वालों के लिए मैसेजेस है, कुछ मेजर ब्रेक थ्रू मिल रहा है मिथुन राशि वालों आपके। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा डर गए थे या फिर कोई चीज़ ख़त्म होने का डर था आपका, और आई थिंक आप खुद को सर्वाइव कर पा रहे हो। आई थिंक एक मेजर चीज़ आप बंद किए हो या फिर आपके लाइफ से चला गया है। वो मेजर चीज़ ये है कि हो सकता है कि आप सेफ खेल रहे थे, हो सकता है कि एक रिलेशनशिप को आप सोचे थे कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, या फिर जो चीज़ को आप बहुत ज़्यादा बिलीव किए थे, जो चीज़ के ऊपर आप विश्वास किए थे कि वो शायद आपको हेल्प करेंगे, वो मदद करेंगे, वो ऑथेंटिक है, वो ये है वो है, बट अभी आपका ये परसेप्शन चेंज हो रहा है और आप खुद ही उस चीज़ को अंदाज़ा लगाए हो, आपने किसी चीज़ को कट ऑफ किया हो, आपने किसी चीज़ को एंड किया हो, आप अपने एक साइकिल को एंड किए हो, वो साइकिल को आप खुद एंड किए हो। क्यों? क्योंकि उस साइकिल में एक रिपीटेटिव पैटर्न्स आ रहा था, उस साइकिल पे आप कुछ नहीं सीख पा रहे थे, उस साइकिल में आपका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, उस साइकिल के अंदर आपका दम घुट रहा था, और उस साइकिल पे सिर्फ और सिर्फ आप मटेरियलिस्टिक हो जा रहे थे, वहाँ पे कोई नॉलेज आप गेन नहीं कर पा रहे थे। तो मिथुन राशि वाले, आपके लाइफ से सारे नेगेटिविटी चला गया, आपके लाइफ से सारे टॉक्सिक पीपल चला गया। तो आप बोलोगे दादा कैसे, ये इसीलिए क्योंकि एक ऐसा मेजर चीज़ें आपने करना स्टार्ट कर रहे हो आने वाले टाइम पे, जो आपको एक बेमिसाल पर्सन में बदल देंगे। आई थिंक आप अपने नॉलेज के ऊपर फोकस कर रहे हो, आई थिंक आप अपने हार्ड वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हो, आई थिंक आप अपने मल्टीपल क्वालिटीज के ऊपर फोकस कर रहे हो या फिर मल्टीटास्किंग के ऊपर फोकस कर रहे हो। सो मैं देख सकता हूँ कि एक जॉब को छोड़ के आपको दो जॉब मिल रहा है, एक चीज़ को छोड़ के आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप जॉब चेंज कर रहे थे या फिर आपके करियर में ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, फाइनली आप अपने राइट करियर ऑप्शंस को चूज़ कर रहे हो, फाइनली आप अपने राइट स्किल्स को चूज़ कर रहे हो। आई थिंक आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो और समझ भी पा रहे हो। आई थिंक आप एक नए चीज़ को सीखने का ट्राई कर रहे हो, नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है, विजडम बढ़ रहा है, और रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस क्रिएट कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि सेपरेशंस पे चल रहे थे, फाइनली आपके पर्सन आपके पास आके कमिटमेंट दे देंगे। शादी का बात हो सकता है, कोई फुल एंड फाइनल पेमेंट आप किसी को पे कर सकते हो, कोई लोन कंप्लीटली आप पे कर रहे हो। मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। एंड मैं ये भी देख सकता हूँ कि खुद से कुछ ट्राई कर रहे हो, खुद से कुछ ट्राई इन दैट सेंस, ऐसा हो सकता है कि आप जो काम कर रहे थे उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा कॉर्पोरेट में थे बट अभी आप अपने हॉबीज को लेके परस्यू कर रहे हो। मैं देख सकती हूँ रिसेंटली आपको किसी चीज़ पसंद आया था, उस चीज़ को वो चीज़ आपके लाइफ में धीरे धीरे बहुत क्लोज हो गया,
एंड आपके पुराने जो बिलीफ सिस्टम था, पुराने जो थॉट प्रोसेस था, उसको आप कट ऑफ किए। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आप पहले कोई चीज़ के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते थे, और जैसे आपको इस टाइम पे क्लैरिटी मिल रहा है, कोई चीज़ को आप छोड़ के एक नए तरीके से फिर से रीस्टार्ट कर रहे हो। और ये जो फाउंडेशंस, ये बहुत ऑथेंटिक फाउंडेशंस है मिथुन राशि वालों। आई थिंक आज आप एक मेजर लाइफ क्राइसिस से बचोगे। आई थिंक एक मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजंस ले रहे हो। आई थिंक एक डिवाइन रेजोल्यूशंस आपके लाइफ में आ रहे हैं। और ये क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी चीज़ें ट्राई किए थे, काफ़ी लोगों के साथ बात किए थे, बट ऐसा कभी भी किसी पर्सन के साथ फील नहीं कर पाए। ऐसा हो सकता है कि आज आपको किसी पर्सन मिल जाएंगे जिसके साथ आप, या फिर आने वाले टाइम पे आपको किसी पर्सन मिल जाएंगे जिसके साथ आपको लगेगा कि इसी को तो मैं ढूंढ रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत कुछ ट्राई किए थे बट कहीं पे भी आपको कुछ सुराहा नहीं मिला, या फिर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिला, कोई स्ट्रॉन्ग इनर कॉल आपको नहीं मिला। मिथुन राशि वालों, मैं देख सकता हूँ कि आपको एक इनर सोल कॉलिंग आप सुन पा रहे हो, अंदर से आपसे शिव शक्ति बात करे। तो अगर आप एक ट्वीन फ्लेम रिलेशनशिप पे हो, तो ट्वीन फ्लेम रिलेशनशिप में मैं देख सकता हूँ बैलेंस शिव शक्ति का, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का। अगर आप कोई सेपरेटेड पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये वापस आए, या फिर आप अपने घर को तोड़ने से बचा रहे थे, तो फाइनली ये हो रहा है। सिमिलरली द वर्ल्ड के कार्ड एक ही चीज़ बोल दे रहे हैं कि सक्सेस, विक्ट्री, हैप्पीनेस इज ऑल योर्स। जो चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे थे, जो चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो चीज़ के लिए आप लड़ रहे थे, फाइनली कोई चीज़ आपके लाइफ में आ रही है, फाइनली कोई चीज़ के बारे में आपको पता चल रहा है। तो क्या ये एक न्यू बिगिनिंग है? हाँ, एट द सेम टाइम एक साइकिल भी खत्म हो रहा है। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपके खुद का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हो सकता है कि ये सिचुएशंस बाहर के यूनिवर्स आपके लाइफ में लेके नहीं आए हैं, ये सिचुएशंस आप लेके आए हो, आप खुद से डिस्कवर किए हो कि आप जो कर रहे थे, जिस पर्सन के साथ बातें बोल रहे थे, जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे थे, फिर जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, उसको थोड़ा सा आपको भी लगा कि उसको अपग्रेड करना चाहिए, उसको थोड़ा सा अलग लेवल का एक टच देना चाहिए। एंड आप अपने सोल कॉलिंग को सुने हो। पहले आप बहुत रेस्ट्रिक्ट फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फ्रीडम आपको नहीं मिल रहा था, आपका हाथ पैर बंधा था, तो इसीलिए आपने किसी टॉक्सिक चीज़ों से आप छुटकारा आपको छुटकारा मिला, या फिर आपने कोई टॉक्सिक बॉन्ड को कट ऑफ किए हो। ये मेंटल एंजाइटी बॉन्ड है। ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ आप नहीं सोच रहे थे, सिर्फ आपकी नेगेटिविटी वो आपको सोचने में मजबूर कर रहा था, तो ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव एनर्जीज को आप कट ऑफ किए, और आप कम्प्लीटली सरेंडर करना सीखे हो, और डिवाइन यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करना सीखे हो। आप में से बहुत सारे पर्सन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, भक्ति बढ़ जा रहा है, रेगुलर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए हो, घर के उन्नति के लिए, वास्तु की उन्नति के लिए कुछ कर रहे हो। ऐसा हो सकता है क्रिस्टल्स के उपयोग कर रहे हो, तंत्र विद्या के उपयोग कर रहे हो, कोई गुरु से कुछ पूछ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, एंड आप अपने सोल जर्नी पे आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं ये ज़रूरत था आपका, और आप रियलाइज नहीं कर पा रहे थे, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कोई सिचुएशंस को लेके। अभी वो सिचुएशंस आपको एक बहुत क्लियर कट पिक्चर्स दिखाएंगे। और आई थिंक अगर आप सोच रहे थे कि क्या आप सही पथ पे हो, यस, क्या आपका एक पॉजिटिव आंसर आ सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ब्राइट एंड ब्यूटीफुल फ्यूचर, यस। यहाँ पे प्रॉपर फॉर्चून का टर्निंग में देख सकता हूँ, और आप अपने बलबूते से आप अपने डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे हो, ये भी मैं देख सकता हूँ। एंड एट द सेम टाइम जो भी डिवाइन सक्सेस आपको मिलेगा, वो सक्सेस को आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने फैमिली के साथ। तो अगर आप फैमिली से बहुत दूर थे, या फिर आप बहुत फैमिली को मिस कर रहे थे, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट होने वाला है जहाँ पे आप और अपनी फैमिली गेट टुगेदर करोगे। एंड एट द सेम टाइम कोई, मैं देख सकता हूँ कि बाहर जाने के लिए टिकट खरीद रहे हो, या फिर कोई फ्रेंड आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, वो भी फॉरेन कंट्री से, या फिर डिफरेंट स्टेट से, या फिर आप कोई डिफरेंट स्टेट्स पे जा रहे हो। आई थिंक आप अभी ट्रैवल करोगे, तो ऐसा हो सकता है बहुत दिन से अगर आप घर में कैद थे, अभी आप बाहर जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, नए तरीके से नॉलेज गेन कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, बाहर तीर्थ स्थान पे भी जा सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप ओपन अप हो जा रहे हो यूनिवर्स के सामने। ओके, सो मिथुन राशि वालों, ऐसे ही आप अपने सोल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते रहिए। एक ही चीज़, पास के बारे में मत सोचिए, क्योंकि कई कबार आप बहुत क्यूरियस हो जाते हो, एंड क्यूरियस होते होते आप ओवरथिंक करते हो, और हर नेगेटिव सिचुएशंस को आप एम्फसाइज करते हो, एंड सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट कर देते हो। तो कॉम्प्लिकेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लाइफ अचानक बहुत अच्छा हो रहा है, तो होने दीजिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हो ये चीज़। ओके, चलिए अभी देख लेता हूँ लिब्रा।
यानी कि तुला राशि। अगर आपका तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको पता नहीं है आपकी राशि क्या है, सो मैं बोल सकता हूँ कि 22 सितंबर यानी कि 22 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर यानी कि 23 अक्टूबर के अंदर अगर आपके बर्थ डे है तो ये तुला राशि आपके लिए। तो देख लेते हैं तुला राशि वालों के क्या चेंजेस आ रहे हैं डिवाइन डेस्टिनी पे। तुला राशि वालों के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, तुला राशि वालों के लिए क्या चेंजेस। पहला चेंज, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स, न्यू लव हो सकता है तुला, या फिर पुराने रिलेशनशिप। ओ दो कार्ड्स, ओके, सोन ऑफ बस्केट, नाइट ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ बस्केट। ओ माई गॉड, थ्री ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ शोर्ड्स। वाओ, दैट्स पावरफुल रीडिंग। सो तुला राशि वालों में देख सकते हो कि इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। इमोशनली बहुत लो फील कर रहे थे, इमोशनली बहुत अकेले महसूस कर रहे थे। रिकन्सिलिएशंस डेफिनेटली, शादी डेफिनेटली, मैरिज डेफिनेटली। आई थिंक आपका इनर फाउंडेशंस बिगड़ गया था। आई थिंक आप ओवर रिएक्ट किए थे, ओवर थिंक किए थे, डिप्रेस थे और आप बार बार यूनिवर्स से मदद मांग रहे थे कब मेरा चांस आएगा, कब मेरे को मौका मिलेगा कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए, या फिर अपने कैरियर में फाइनली कब ब्रेक थ्रू मिल रहा है आपको। मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आपको दुखी बनाया था। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन अचानक छोड़ के चले गए थे बिना कुछ बोल के, या फिर किसी का मतलब कोई पर्सन का डेथ हो गया था, या फिर आपको भी समझ में नहीं आ रहा था क्यों आपको ऐसा लग रहा है। बहुत नेगेटिव चीज़ें, बहुत नेगेटिव टेंशन, वहाँ से आप एक नए इमोशंस को लेके आगे बढ़े। आई थिंक आप एक नए पर्सन के साथ मीट कर रहे हो। ऐसा हो सकता है ये सेपरेटेड पर्सन है, ऐसा हो सकता है कि उस पर्सन का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और ब्रेकअप हो गए थे, सेपरेशन के कगार पे चले गए थे और डिवोर्स के कगार पे चले गए थे, फाइनली आप दोनों मिल रहे हो तुला राशि वालों। आई थिंक आप लोगों का इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, जो इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक हीलिंग जर्नी स्टार्ट किए हो, या फिर साधना स्टार्ट किए हो, या फिर अगर आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किए हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस करना स्टार्ट किए हो, तो डेफिनेटली ये काम कर रहे हैं। आई थिंक आप एक टॉक्सिक मैरिज के अंदर थे और उस मैरिज से बाहर आके आप कोई प्योर लव को अगर एक्सपीरियंस करने के लिए यूनिवर्स से पूछे थे, या फिर अगर आप सोच रहे थे कि क्या आपके लाइफ में, मान लीजिए आप एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे थे, ओके, बट एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी आपको कुछ नहीं मिल रहा था, सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट के लिए आप रिलेशनशिप के अंदर थे, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के भी बहुत महत्वपूर्ण चेंज आ रहा है। आई थिंक जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस तरीके से आप ईश्वर को बोल रहे थे कि ये चेंज अगर ऐसे हो जाए तो अच्छा है, आई थिंक कोई आंसर्स आपको मिल रहा है। जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे थे, जो प्रेयर्स आप कर रहे थे, उसका आंसर्स आपको मिल रहा है तुला राशि वालों। ये भी हो सकता है बहुत इंटेंस एक जगह पे आप चले गए थे, जहाँ पे सिचुएशंस बहुत बदतर हो रहा था, जहाँ पे लोग आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, घर में कलेश हो रहा था, रो रहे थे आप, घर में भी किसी का लड़ाई हो रहा था कोई भी चीज़ को लेके, फाइनली वहाँ से छुटकारा मिल रहा है। एक आपके फैमिली एंड आप दोनों ही बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो, फाइनली आप दूसरे पर्सन को समझा रहे हो कोई चीज़ और दूसरे पर्सन भी समझ रहे हो कोई चीज़। ऐसा हो सकता है कि अगर आप दोनों कपल हो, या फिर आप दो फ्रेंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था थर्ड पार्टी को लेके, या फिर कोई थर्ड पार्टी आके अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किया था, तो तुला राशि वालों आपके लिए खुशखबरी ये है कि फाइनली कोई सच्चाई बाहर आ रहा है, फाइनली कोई चीज़ को आप सोच पा रहे हो, फाइनली कोई चीज़ को लेके आप सही डिसीजंस लोगे और एक बहुत बिजी स्केड्यूल से छुटकारा। तो ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा था और आपके फैमिली भी आपका अटेंशन डिमांड कर रहे थे, वो भी आपको बोल रहे थे कि आपको आना चाहिए। आई थिंक आप अपने कोई वैकेशंस का टिकट खरीद रहे हो, या फिर आई थिंक आप कोई प्लान कर रहे हो कि कैसे छुट्टी मनाओगे, या फिर वीकेंड कैसे प्लान करोगे। आई थिंक तुला राशि वाले आपके लिए एक रिफ्रेशिंग टाइम आ रहा है, आपके लिए एक बहुत ही प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जहाँ पे फैमिली का सपोर्ट रहेगा, जहाँ पे आप लोग पार्टी कर रहे हो, जहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में बहुत क्लोज हो रहा है, आपके न्यू रिलेशनशिप परमानेंट रिलेशनशिप पे बदल जा रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अपने सोलमेट को ढूंढ पा रहे हो, आप में से बहुत सारे लोगों को एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हीलिंग मिल रहा है। तो अगर आपके हार्ट चक्र बुरी तरीके से अफेक्टेड हो रहा था, आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे थे, अगर आपको हमेशा एक टेंशन, ओवर थिंकिंग, एंगजाइटी फील कर रहे थे, आप वहाँ से आपको कंप्लीट छुटकारा मिल रहा है तुला राशि वालों, एंड किसी चीज़ से ब्रेक ले रहे हो एंड एक रिजुविनेट होने के लिए,
एंड एक रिफ्रेशिंग एनर्जी के साथ किसी चीज़ पे लौट रहे हो, तो मैं ये देख सकता हूँ स्मॉल ब्रेक, या फिर हो सकता है रिफ्रेशिंग टाइम, या फिर हो सकता है एक ब्यूटिफुल यू नो कहीं पे जा रहे हो काम के लिए, वहाँ पे भी आपको रिफ्रेशमेंट्स मिल जाएगा, या फिर आप अपने सीरियस लाइफस्टाइल से थोड़ा सा हट के थोड़ा सा हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन में बदल जा रहे हो। आई थिंक यूनिवर्स इस तरीके से आपको ट्रीट इसीलिए कर रहे क्योंकि आप डिजर्व करते हो मैसिव हैप्पीनेस का, आप डिजर्व करते हो मैसिव अबंडेंस का, बट कहीं ना कहीं आप अपने पॉसिबिलिटीज़ को नहीं देख पा रहे थे, सिर्फ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच रहे थे, नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में सोच के अपने प्रेजेंस को बर्बाद कर रहे थे, तो वहाँ से यूनिवर्स आपको उठा के लेके आ रहे हैं, वहाँ से यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, वहाँ से यूनिवर्स आपको एक सही दिशा पे लेके जा रहे हैं, और आफ्टर दैट आपको पता चलेगा कि हाँ आप सच में हील हुए हो। ऐसा हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद तुला राशि वाला आपको लगे कि ओ माय गॉड यस फाइनली मेरे को बहुत लाइट महसूस हो रहा है, यस एग्जैक्टली आप लाइट फील नहीं कर पा रहे थे तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट महसूस होगा, एंड आपको ऐसा लगेगा कि बोझ हल्का हो गया, ऐसा लगेगा कि फाइनली यूनिवर्स ने आपका बात सुना, क्योंकि कुछ ऐसा इंसिडेंट होने वाला है जो चीज़ आप मांग रहे हो तुरंत आपको वो आंसर्स मिल जाएगा, क्योंकि आप अपने माइंड को एक ऐसे अच्छे तरीके से ट्रेन किए हो कि आपके माइंड भी वो ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करे, आपके माइंड भी वो गुड वाइब्स को अट्रैक्ट करे। अभी कोई नेगेटिविटी नहीं, तो जितना हो सके मेडिटेट कीजिए, जितना हो सके मंत्र चैंटिंग कीजिए, जितना हो सके क्रिस्टल्स के करीब रहिए, जितना हो सके डिविनेशनल टूल को यूज़ कीजिए, एंड अपने इंट्यूशन को भी। सो ऐसा कोई भी चीज़ बाहर अवेलेबल नहीं है जो आपको कंट्रोल कर सके, आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, आप खुद अपने फ्यूचर को देख सकते हो, बाहर की चीज़ें आपको मदद करेंगे, आपको कोई चीज़ें नहीं बोलेंगे, आपके खुद के परमात्मा ही आपको बोलेंगे। सो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ इसको दोबारा सुनिए, क्योंकि तुला राशि वालों आप लोग बहुत इमोशनल हो रहे हो, और इस इमोशनल जर्नी में डिवाइन भी आपको इमोशनल होने के लिए बोल रहे हैं। इस टाइम पे जितना मेडिटेट आप करोगे और आउटसाइड वर्ल्ड से जितना आप यू नो डिस्कनेक्ट रहोगे उतना ही आपके लिए मंगल है। सो चलिए चलता हूँ कुंभ राशि वालों के लिए कि कुंभ राशि वालों के लिए क्या आ रहा है आने वाले टाइम में। चलिए देख लेता हूँ कुंभ राशि वालों के लिए क्या चीज़ आ रहा है। जय माता दी, जय बाबा काल भैरव। कुंभ राशि वालों के लिए क्या चीज़ आ रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। वाह, तीन कार्ड्स आ गया है। पहला कार्ड यहाँ पे फादर ऑफ स्टिक्स यानी कि किंग ऑफ वंड्स, उसके बाद आते हैं फाइव ऑफ कॉइंस, एंड उसके बाद आता है नाइन ऑफ कॉइंस। ओ माई गॉड, सो मैं देख सकता हूँ एक्वेरियस पीपल कि आप लोगों के पावर को कोई छीन लिए थे। आई थिंक आप लोग पावरफुल महसूस नहीं कर पा रहे थे, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे थे, आई थिंक आप जिस तरीके से अपने लाइफ को देखे हो, जिस तरीके से आप अपने लाइफ को प्लान किए हो, जिस तरीके से लोगों को मदद की हो, जिस तरीके से आप अपने खुद को देखे हो, आई थिंक आप खो गए थे पिछले एक दो साल से, पिछले पाँच साल से, और ये इसीलिए खो गए थे बिकॉज आप ओल्ड हो गए हो, या फिर कोई चीज़ करना बंद कर दी हो, किसी जगह पर जाना बंद कर दी हो, तो आपको ऐसा लग रहा था कि आपके वैल्यू कहीं पे कम हो गया है, फैमिली वाले उतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप जिस तरीके से लोगों को मदद किए हो आज आपके दरकार में कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा था जहाँ पे आप अपने डार्क फेज के अंदर से गुजर रहे थे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ एक ही अब थोड़ा सा गुस्से में भी आ रहे थे, थोड़ा सा ईगो भी हर्ट हो रहा था कि क्यों नहीं हो रहा ये चीज़, मेरे को ये चीज़ होना चाहिए, और आप लोग इंटेलिजेंट जोडियक साइन हो, सो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे जगह पे ट्राई कर रहे थे जिस जगह से कुछ होने वाला नहीं था, तो वो क्राइसिस को आप लोग समझ लिए थे एंड समझ ले रहे थे। आई थिंक कोई जगह पे आप लोग हेल्प के लिए मांग रहे थे मदद, या फिर किसी से कुछ मदद मांग रहे थे बट उससे कुछ मदद नहीं आ रहा था, या फिर आप खुद कुछ कर रहे थे कुछ खास कर नहीं पा रहे थे, फाइनली आप लोग एक यू नो सही पर्सन के सामने आप कुछ बोल रहे हो, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मदद आपके लाइफ में आ रहा है, और अननोन लोगों से आ रहा है मदद, सही टाइम पे मदद आ रहा है। हो सकता है कि आप जॉब लॉस तो आपका जॉब लॉस हो गया था, हो सकता है फाइनेंशियल बहुत क्रंचेस के अंदर थे, या फिर ऐसा हो रहा था कि आपको पता नहीं था कि आने वाले मंथ में आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे, आपको बहुत डार्क महसूस फील हो रहा था कि आपको कोई भी समझ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, स्पेशली फाइनेंशियल चीज़ के वजह से,
कोई लोन्स बढ़ रहा था, कोई डेब्ट बढ़ रहा था, और आपको ख्याल उल्टा सीधा ख्याल आ रहा था दिमाग के अंदर, और ऐसा हो सकता है कि फैमिली का बर्डन्स भी बढ़ रहा था, ऐसा हो सकता है कि फैमिली का नीड्स भी बढ़ रहा था, उन लोगों को भी आपको सेटिस्फाई करना था। बाय गॉड्स ग्रेस आपके इस अहम वक्त पे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रहा है। इस फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या फिर इस सिक्योरिटी का आपका सख्त ज़रूरत था। कहीं ना कहीं आप ये चीज़ को डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप लोगों को प्रोटेक्ट किए हो, आप लोगों की ज़िंदगी बदल दी हो, आप लोगों के लाइफ में बहुत नए चेंजेस आए हो, लेके आए हो, आप लोगों को एक नई ज़िंदगी दिलवाने की कोशिश की हो, आप लोगों को प्यार किए हो, बट उस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ कुछ, हो सकता है कुछ नेगेटिव कर्मा, कोई प्लानेटरी मूवमेंट, बट फाइनली एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिल रहा है। और शायद इस रीडिंग को देखने के बाद आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा, क्योंकि एक्वेरियस वालों आपको यूनिवर्स भी कुछ वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को भी पूजा कर रहे हो। सो आपका इनर डिसिप्लिन ठीक हो जा रहा है, सेपरेशन फेज ख़त्म हो जा रहा है। फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर बहुत ज़्यादा आपका झगड़ा हो रहा था या फिर अनबन चल रहा था, वो भी ख़त्म हो जा रहा है। शादी को लेके प्रॉब्लम हो रहा था, लव लाइफ को लेके प्रॉब्लम हो रहा था, काम को लेके प्रॉब्लम हो रहा था, या फिर ईगो अचानक बढ़ रहा था, या फिर आपको साथ लोगों का ऐसे ही कन्फ्लिक्ट हो रहा था, आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था, तो वो ख़त्म हो जा रहा है। हेल्थ, पर्टिकुलरली हेल्थ, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि हेल्थ डिटोरिएट कर रहे हैं या फिर कोई भी हेल्थ इश्यूज आ रहा था, वहाँ से आपको छुटकारा मिल जा रहा है। कोई बहुत बड़ा डिजीज़ हो गया था और आप बहुत डर गए थे कि कैसा सब कुछ होगा, तो पैसे का इंतज़ाम हो जा रहा है, सॉल्व हो जा रहा है कोई चीज़। अगर बहुत ज़्यादा बहुत कठिनाई आपने फेस की हो लाइफ में, वहाँ से आपको एक रिलीफ मिल जा रहा है। सो एक्वेरियस वालों के लिए खुशखबरी ये है कि टफेस्ट टाइम इज़ ओवर, बहुत ही गंदा टाइम था वो ख़त्म हुआ, और फाइनली आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स आ रहा है, कुछ एबंडेंस आ रहा है, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो सकता है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई बैंक पे कुछ चीज़ आप सेव करके रख रहे हो, या फिर कोई नए बिजनेस के लिए कुछ आइडियाज़ सोच रहे हो, कोई प्रोड्यूसर मिल जा रहा है, कोई स्पॉन्सर आपको मिल जा रहा है, खास करके गवर्नमेंट जॉब के लिए इंतज़ार अगर कर रहे थे, फिर आपके चाइल्ड के कोई जॉब के लिए अगर आप इंतज़ार कर रहे थे, फिर फैमिली फ्यूचर के लिए आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे, तो फैमिली फ्यूचर सॉर्टेड हो जा रहे, आपके फ्यूचर भी सॉर्टेड हो जा रहे। आई थिंक आपके लाइफ में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस दरकार था जो नहीं हो रहा था, अभी ये सारे चेंजेस एक साथ हो रहा है, तो ऐसा बहुत इंटेंस फेज है इस टाइम, तो आपको डर लग सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि कहाँ से कहाँ मैं जा रहा हूँ, क्या ये बहुत फास्ट हो रहा है, क्या और भी मुसीबत है? नहीं, कोई भी मुसीबत नहीं है, ये इसीलिए है क्योंकि आपको, या हो सकता है कि कोई आपको काला जादू करके ऐसे बना के रखा था, या फिर किसी के नेगेटिव विश की वजह से, नेगेटिव बॉन्डिंग की वजह से आप ऐसे थे। फाइनली उस बॉन्डिंग को जैसे आप हटा रहे हो, वैसे माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता, यूनिवर्स आपको वेल्थ दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको एक नए डायमेंशंस पे लेके जा रहे हैं। आई थिंक ये एक ऐसा फेज है जो फेज शायद आप डिजर्व करते हो। करीबन 19 इयर्स के बाद ये मिल रहा है, या फिर 5 इयर्स के बाद आपको मिल रहा है, या फिर 19 मंथ्स यानी कि 2 साल के बाद ये फेज मिल रहा है। इसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं होगा। कोई भी बिजनेस के अंदर बिजनेस के साथ अगर आप जुड़े हुए हो, इस पे सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, इसमें प्रॉस्पेरिटी मिलेगा ही मिलेगा, एंड इस जगह पे मैं देख सकता हूँ आप खुद को प्रूव कर पाओगे, खुद को एक नए तरीके से देख पाओगे, खुद के रेपुटेशन बढ़ेगा, एंड जो रिस्पेक्ट्स खोए थे वो रेस्पेक्ट्स वापस आएगा। कहीं ना कहीं ये आपके विश फुलफिलिंग कार्ड है, ये आपके फ्यूचर का कार्ड है, यहाँ पे एक ब्राइट फ्यूचर है, वो ही आपको बोल दे रहे हैं ये कार्ड्स। तो इसी के साथ इस पाइल को ख़त्म करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट पाइल पे। अगर ये पाइल आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। चल रहा हूँ पाइल नंबर 4 के पास। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 4। तो अगर आप हो कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस यानी कि कर्क, मीन और वृश्चिक, सो ये आपके लिए राशि है। एंड अगर आपको पता नहीं है कि आपकी राशि क्या है, तो मैं बर्थ डेट भी बोल दे रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर चूजिंग दिस फाइल एंड वीडियो को देखते रहिए। सो अगर आपको पता है कि आपकी चंद्र राशि या फिर सनशाइन है कैंसर यानी कि कर्क,
सो ये आपके लिए, और अगर आपको आपके राशि पता नहीं है सो इनके लिए मैं बोल दे रहा हूँ 21 जून से लेके 22 जुलाई तक अगर आपके बर्थडे है, 21 जून से लेके 22 जुलाई तक तो आप हो कैंसर। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि कैंसरियन के लिए यानी कि कर्क राशि के लिए क्या नए चीज आ रहे हैं। ओम क्रीम दक्षिणा कालिके नमः। कर्क राशि के लिए ओके, थ्री ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ शोल्ड्स, दैट इज ब्रिलियंट। सो आई थिंक कर्क राशि आप लोग एक मेजर अवेयरनेस के थ्रू गुजर रहे थे। आई थिंक पास्ट लाइफ या फिर इस लाइफ के अंदर का फासला तय नहीं कर पा रहे थे। आई थिंक एक 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 मेजर साइकिक डेवलपमेंट हो रहा है। साइकिक डेवलपमेंट इसीलिए आप देखोगे आपका भक्ति बढ़ जा रहा है, आपको ईश्वर के पास आप और करीब आ रहे हो, मंत्र चैंटिंग हो रहे हैं, कोई चीज़ के लिए क्लियरली देख पा रहे हो, कोई चीज़ क्यों नहीं कर पा रहे थे, कोई पर्सन क्यों चला गया, कोई पर्सन क्यों आया, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डीप इंसाइट आ रहा है और सेल्फ रियलाइजेशन आ रहा है। खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मैं ये भी देखा हूँ कि कोई पार्शियलिटीज़ हुआ था आपके मम्मा पापा से, या फिर पेरेंट्स के सटीक गाइडेंस नहीं मिला था, या फिर ऐसा हो सकता है कि चाइल्डहुड में आपका बहुत आप अकेले चाइल्डहुड स्पेंड किए हो, या फिर कोई हॉबीज़ को आप हमेशा परस्यू करना चाहते थे बट नहीं कर पाए। सो आई थिंक आप फॉरगिव कर दे रहे हो अपने नियर वंस और डियर वंस को। तो कैंसेरियन ये आपके लाइफ में एक मेजर चेंजेस आ रहे हैं कि आप ग्रेटफुल रह रहे हो। शायद आपके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द था और उस चीज़ की वजह से आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, हर पर्सन को आप जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि ये मेरे साथ ये किया, वो मेरे साथ ये किया, ये मेरे साथ ये किया। आई थिंक वहाँ से आप बाहर आ रहे हो। आई थिंक अभी आप ग्रेटफुल रह रहे हो क्योंकि आपके लाइफ आपको कुछ ऐसा नए अपॉर्चुनिटीज़ के साथ परिचय करा रहे हैं कि आप खुश हो जा रहे हो। मेरे ख्याल से लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है पार्टनरशिप में कुछ स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने सोलमेट के लिए इंतज़ार कर रहे थे पिछले 2-3 साल से, फाइनली आपके सोलमेट आ रहे हैं बहुत जल्दी। मैं ये भी देख सकता हूँ कि सोलमेट के साथ आपका कनेक्शन उतना ज़्यादा नहीं था, हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस था, हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपका सेपरेशन चल रहा था, तो फाइनली आप लोग एक साथ हो रहे हो, फाइनली आपके सोल अपने सोलमेट को चुन पा रहे, फाइनली आपको सेल्फ रियलाइजेशन आ रहे हैं कि इस धरती पर आप किस सोल पर्पज़ के साथ आए हो। सो आप सोल पर्पस के साथ कनेक्टेड हो रहे हो। अगर आप एक डांसर, एक्टर, राइटर या फिर क्रिएटिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, या फिर अपने बलबूते पे कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो यही वक्त है। आई थिंक आपको आइडियाज़ मिल गया है, आई थिंक आपको सही गाइडेंस मिल रहा है, आई थिंक आप मोटिवेटेड हो रहे हो, और जिस तरीके से जिस क्लैरिटी का तलाश में हो आप, उस वो क्लैरिटी आपको मिल ही जा रहा है, कम्प्लीटली वो क्लैरिटी आपको मिल जा रहा है। मेरे ख्याल से एक चीज़ मैं बोलूँगा कि ये टाइम है नॉलेज का, ये टाइम है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का, ये टाइम है कुछ नई चीज़ सीखने का। ऐसा हो सकता है कि आपको इस टाइम पे कोई डिफरेंट फॉरेन राइटर्स का बुक आपको अगर आप इस टाइम पे पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, फॉरेन कल्चर्स के बारे में आप जानेंगे तो भी अच्छा होगा, डीप स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल बुक्स अगर पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपके जहन में नहीं था, या फिर कोई चीज़ को आप नज़रअंदाज कर रहे थे, या फिर अंडरएस्टिमेट कर रहे थे, या फिर खुद को अंडरएस्टिमेट कर रहे थे, तो वैल्यूज़ बढ़ रहा है। और इस टाइम पे जब वैल्यूज़ बढ़ता है तो रेफरेंसिंग का बहुत ज़रूरत होता है, तो कहीं ना कहीं आपके सोल को इस टाइम पे चाहिए नरिशमेंट। तो जितना हो सके नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, जितना हो सके मेडिटेट कीजिए, जितना हो सके अब अपने हार्ड वर्क को इम्प्लीमेंट कीजिए, जितना हो सके खुद के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए, जितना हो सके एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि ये जो आने वाली जर्नी है ये जर्नी आपको फ्री कर देंगे। हो सकता है कि आपके हाथ पैर बंधे थे फाइनेंशियल चीज़ों के वजह से, या फिर रिलेशनशिप में आपको वो होल्ड नहीं मिला था, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, आप किसी पर्सन को हेल्प करना चाहते थे, या फिर आप अपने लवर को हेल्प करना चाहते थे बट वो नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप अपने लवर के लिए इंतज़ार कर रहे थे बट वो नहीं आ पा रहा था, फैमिली का अपोजिशन स्टार्ट हो गया था, या फिर फैमिली अपोज कर रहे थे, बट
मैं देख रहा हूँ कि बहुत ऑब्स्टिकल्स के बावजूद भी आप लोग फिर से मिल रहे हो एक ऐसे काम जिस काम को जब भी आप स्टार्ट कर रहे थे तब भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा था, आप कैसे तैसे करके भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, वो यहाँ से डिवाइन का सपोर्ट आपको मिल रहा है। देखिए ये जो एस ऑफ सोर्ड्स है ये इस टाइम पे आ रहा है, इसका मतलब है कि डिवाइन आपके हार्ड वर्क देखे, डिवाइन आपको देखे कि कितना डेडिकेटेड आप हो, डिवाइन ने आपने आपको देखे कि कितना सोलफुली आप किसी चीज़ को चाहते हो, कितना डेडिकेटिंगली आप किसी चीज़ को चाहते हो, तो इसीलिए डिवाइन आपको अपने सोल पर्पज़ के साथ मिला रहे। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो ये सही वक्त है, कोई एक्शंस लेना है, ओके। सो अगर आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग किए हो, बहुत ज़्यादा सोचे हो, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स के साथ बात किए हो, सेमिनार अटेंड किए हो, मीटिंग अटेंड किए हो, वर्कशॉप अटेंड किए हो, वक्त आ गया है कि अभी आपको इम्प्लीमेंट करने का, वक्त आ गया है कि आपको ये एक्शंस लेने का, वक्त आ गया है कि एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने का, वक्त आ गया है कि किसी के साथ कम्युनिकेट करने का। तो ऐसा है कि कोई सीक्रेट क्रश आपको प्यार करते हैं और आप शायद उसके साथ एक फ्रेंडली एटमोसफियर बना के रखे हो, कहीं ना कहीं आपका एक डर है कि अगर आप उसको एक्सप्रेस करोगे तो शायद ये चला जाएगा या फिर ये गलत समझेगा। आई थिंक ये पर्सन आपको बोलेंगे कोई सेम तरीके का कुछ बात। आई थिंक जो चीज़ को लेके आप डर रहे थे वो चीज़ आपको एक बहुत खुशी दे देंगे। आई थिंक कोई सिचुएशंस टर्न आउट हो रहे हैं 360 डिग्री एंगल में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज में थे या फिर अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था या फिर अगर आपको लग रहा था कि सिचुएशंस शायद बहुत बदतर हो जा रहा है या फिर आप पीछे चले जा रहे हो, वहाँ से आप एकदम सडनली टॉप करोगे। तो कोई मैं देख सकता हूँ कि डिवाइन के सपोर्ट या फिर खुद के अवेयरनेस या फिर खुद के सेल्फ प्रोटेक्शन की वजह से आप कोई विक्ट्री आपको मिल रहा है, कोई मेजर ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है। फाइनेंशियल चीज़ें, अगर आपको फाइनेंस नहीं मिल रहा था या फिर जॉब की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था या फिर जॉब के लिए इंटरव्यू आप दिए थे बट उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था, विद इन दिस वीक आपको जवाब मिल रहा है। विद इन दिस वीक आपको, इवन विद इन टुडे आज आपको एक बहुत बड़ा क्लैरिटी मिल जा रहा है पाइल नंबर 4 कैंसर कर्क राशि वालों को। एंड मैं ये भी देख सकता हूँ कि अगर आप डर रहे थे किसी से कुछ बात कहने से या फिर कोई पर्सन के लिए आप रिकन्सिलिएशन के लिए वेट कर रहे थे या फिर आप चाहते रहे थे कि आपकी सेपरेशन ख़त्म हो जाए, सो फाइनली वो टाइम आ गया कि आप एक क्लियर कट कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई क्यों आपसे बदतमीजी से बात किए है या फिर कोई क्यों आपको छोड़ के गए हैं वो आपके सामने आके एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आई थिंक आपको एक मौका मिल रहा है लाइफ में खुद के बात को कहने का। अगर आपको लगता है कि किसी पर्सन को सबक सिखाना है तो उसको सबक सिखाने का, बट ऑलवेज रिमेंबर एक चीज़, दुनिया में बहुत लोग करेक्ट पर्सन बन सकते हैं, दुनिया में बहुत लोग करेक्ट पर्सन बन सकते हैं बट दयालु पर्सन कोई नहीं बन सकता है। सो अगर आपको यूनिवर्स ऑफर देते हैं दो ऑप्शन का कि टू बी अ काइंड पर्सन और टू बी अ राइट पर्सन, ऑलवेज चूज टू बी द काइंड पर्सन, क्योंकि दयालु पर्सन जब आप बनोगे तभी आपको यूनिवर्स अनकंडीशनली प्यार करेगा और वो प्यार जब आपको मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपके सारे जो नेगेटिविटीज़ है वो हट जाएगा। इसी के साथ कैंसेरियन के रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट पाइल, वो है स्कॉर्पियो। तो अगर आप वृश्चिक राशि वाले हो में से हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको पता भी नहीं है कि आपकी राशि क्या है तो अगर आपके बर्थ डेट है 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर यानी कि 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए माँ काली अब अकाल भैरव क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं। मैजिशियंस, वाओ, दैट्स ग्रेट कार्ड टू गेट। ओके, एस ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, फाइव ऑफ कप्स। आई थिंक स्कॉर्पियन यू आर गोइंग टू फाइंड समवन लाइक अ जेमिनी और लिब्रा और एक्वेरियस। आई थिंक आप लोग, सॉरी स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि वालों, आप कोई जेमिनी यानी कि मिथुन तुला एंड कुंभ को अट्रैक्ट करे। तो अगर कोई मिथुन तुला कुंभ है वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं एज अ न्यू लवर
या फिर एज अ हस्बैंड या फिर एज अ वाइफ। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आप कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने पास्ट को बुला के नए तरीके से लाइफ को स्टार्ट करने का। ये मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि वेल्थ मैनिफेस्टेशन, ये मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ये मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि यू नो आपके लाइफ का सारे पास्ट अटैचमेंट्स को छोड़ के एकदम नए तरीके से नए एहसास के साथ ज़िंदगी को स्टार्ट करने का। आई थिंक वो हो रहा है, एक विश फुलफिलमेंट हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे बात आते हैं कि कर्मा का। सो यहाँ भी यूनिवर्स स्कॉर्पियो वालों के लिए मैसेज दे रहे हैं कि आप शायद एक स्पिरिचुअल एंटिटी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका कनेक्शन बहुत गहरा है, हो सकता है आप एक प्रीस्ट हो सकता है आप एक साइकिक हो, या फिर हो सकता है आप एक डिवोटी हो, या फिर हाल ही में आप स्पिरिचुअली बहुत इंट्यून्ड हो गए हो, या फिर यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करना स्टार्ट किए हो, या फिर टैरोट एस्ट्रोलॉजी इस सब चीज़ को मान रहे हो, या फिर साधना करना स्टार्ट किए हो। एनीवे ये जो न्यू अवेयरनेस आपके सामने आया, ये न्यू अवेयरनेस आपको एक नए पर्सन में बदल दे रहे हैं। आई थिंक ईश्वर के मदद से आप कुछ नए लाइफ के जो नए आनंद को उठाओगे। आई थिंक आप अट्रैक्ट कर रहे हो ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। ऐसे ही आप एक न्यू लवर को भी अट्रैक्ट किए हो। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स देखिए, आप अपने लाइफ में बहुत कठिनाई फेस किए हो एंड बचपन से ही शायद आप अपने फैमिली से अटैच नहीं थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली आपको उतना अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया है, या फिर काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से आप टाइम स्पेंड नहीं किया है, या फिर फाइनेंस की वजह से। तो कुछ कुछ ऐसे हॉबीज़ हैं जो आप हमेशा परस्यू करना चाहते थे, कुछ कुछ, या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी भी आपको लाइफ में लव नहीं मिला, या फिर लव के बारे में आप सोच ही नहीं पाए। सो कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो, कुछ कुछ ऐसा चीज़ें हैं जिसके लिए आप कभी भी किसी के सामने नहीं शेयर किए हो, और आप यूनिवर्स के सामने भी कुछ नहीं शेयर किए हो, वो आपके मन में था, कुछ हिडन ख्वाहिश है जो आपके मन में था, और आप उस चीज़ को लेके इसीलिए नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि आपको डर था कि जो भी चीज़ आप मांगेंगे वो शायद आपके लाइफ से चला जाएगा। आई थिंक कोई चीज़ के बारे में आप बहुत सीक्रेटिव थे, कोई चीज़ को आप छुप छुप के चाह रहे थे, उस चीज़ के बारे में आप किसी को नहीं बोले थे, बट आपका असल प्यार वो चीज़ था, या फिर असली असल सोल पर्पस वो चीज़ था, या फिर आपके जो ट्रू इंटेंशन उस चीज़ के साथ अटैच था। ओके बट उस चीज़ को आपने कभी भी एक्सप्रेस नहीं किए हो। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन के साथ आप सीक्रेटली प्यार करते थे बट कभी भी उस पर्सन को बोले नहीं हो, या वो पर्सन भी आपको नहीं बोले, खास करके जेमिनी या लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, तो वो पर्सन आ रहे हैं। या फिर मैं बोल सकता हूँ कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस भी आ सकते हैं, यानी कि आपके खुद के जोडियक साइन भी आ सकते हैं, यानी कि कर्क, वृश्चिक एंड मीन भी आ सकता है, मिथुन, तुला एंड कुंभ भी आ सकता है। बट जो भी है, ये कनेक्शंस एक सीक्रेट कनेक्शंस थे, या फिर आपके कोई सीक्रेट मैनिफेस्टेशंस सक्सेसफुल हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे, तबीयत खराब था, या फिर फाइनेंस उतना अच्छा नहीं था, या फिर लाइफ में एक ऐसे जगह पे थे जहाँ पे आप बहुत अकेले महसूस कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं आपके पास्ट में किसी पर्सन के साथ कनेक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट वो कनेक्शंस आपके वजह से ही नहीं ग्रो कर पाए, बिकॉज उस टाइम पे आप शायद उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे। तो कुछ ऐसे पथ था जो पथ शायद आप क्लोज करके चले आए थे, एंड ऐसे पथ था जिस चीज़ को आप कभी भी कि वो चीज़ दोबारा एक आनंद आपको दे सके इसके बारे में भी आप नहीं सोच पाए थे, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए ख़त्म हो गया था, या फिर उस चीज़ से आपको बहुत नेगेटिव वाइब्स आता था, तो इसीलिए उस चीज़ के बारे में आप कभी भी नहीं सोचते। तो कुछ ऐसा ही अवेयरनेस आ रहा है कि जिस चीज़ को आप नज़रअंदाज किए थे, जिस चीज़ के बारे में आप सोचे नहीं थे, जिस चीज़ को आप यू नो अंडर एस्टिमेट किए थे, वहाँ से एक रिकॉलिंग आ रहा है। तो रिकन्सिलेशन में नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा एक नए स्टार्ट, एक नए तरीके का शुरुआत, और वो शुरुआत आपके खराब पास्ट के जो भी बैड मेमोरीज है उसको हील कर दे रहे, आपके चाइल्डहुड वुंड को हील कर दे रहे, आपको एक फ्रेश, एक डिवाइनली कनेक्टेड पर्सन में बदल दे रहे। एंड आई थिंक ये जो भी स्पिरिचुअल इंटरवेंशन बोलो, डिवाइन इंटरवेंशन बोलो, हो रहा है, ये आपको एक ट्रू ऑथेंटिक स्पिरिचुअल पर्सन में बदल दे रहे। सो जो प्यार को आप महसूस किए थे, उस प्यार को अभी आप एक्सप्रेस करोगे,
एंड उस टाइम पे शायद वो प्यार रिजेक्टेड हो गया था, इस टाइम पे शायद ये प्यार एक्सेप्टेड हो जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने जिस पर्सन को नो बोले थे आप खुद जाके उस पर्सन को अप्रोच करोगे और काइंड ऑफ आप वो पर्सन के साथ एक फिर से एक अच्छा लाइफ बिताओगे। आई थिंक रिकवरी फ्रॉम योर पास्ट पेन, रिकवरी फ्रॉम योर पास्ट लॉस, रिकवरी फ्रॉम योर पास्ट चाइल्डहुड, पास्ट ट्रॉमा। आई थिंक चाइल्डहुड में भी कुछ ऐसा ट्रॉमा था जिसके कभी भी आप हील नहीं किए थे, और फाइनली अभी वो चीज़ को आप हील कर रहे हो, फाइनली आपको एक मोटिवेशन मिल रहा है, आई थिंक सेकेंड चांस मिल रहा है, सेकेंड मैरिज का या फिर सेकेंड रिश्ता, सेकेंड रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर आपका फर्स्ट रिलेशनशिप के बाद आप बहुत दिन सिंगल थे, बहुत साल, दो साल हो सकते हैं, तीन साल हो सकते हैं, पाँच साल हो सकते हैं, उसके बाद फाइनली नए कनेक्शंस बन रहा है, फाइनली कोई पर्सन आपको पसंद कर रहे हैं और फाइनली आपको एक मौका मिल रहा है अपने प्यार को एस्टैब्लिश करने का। एंड सिमिलरली स्कॉर्पियो, आपके विश फुलफिलमेंट, तो अगर आपका कोई सीक्रेट हिडन विश था जो शायद आप किसी के सामने नहीं कह पाए, वो विश फुलफिल हो रहा है आप बहुत ही जल्द। मैं देख रहा हूँ कि नेचर के साथ आप बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हो, हो सकता है कोई ट्रिप पे जा रहे हो वहाँ पे किसी पर्सन के साथ मिल सकते हो, या फिर कोई एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे जा रहे हो स्कॉर्पियो, ऐसा हो सकता है कि खुद को मोटिवेट कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस है एंड आप अपने गम को हील किए हो, बट कुछ हद तक आपको भी एक सपोर्ट चाहिए, और वो कंपेनियनशिप बोलो या फिर लव बोलो या फिर रिलेशनशिप बोलो, जो भी बोलो, ये आ रहा है बहुत ही जल्द। तो इसी के साथ स्कॉर्पियो के रीडिंग को यानी कि वृश्चिक राशियों के रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ, चलता हूँ मीन राशियों के रीडिंग के पास। तो अगर आपको पता है कि आपका मीन राशि है तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है, अगर आपका नहीं पता है कि आपका राशि क्या है, सो अगर आपके बर्थ डे स्टार्ट होता है 19 फरवरी से लेके 20 मार्च के अंदर, सो ये आपके रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या नए मैसेजेस मिल रहा है। चलिए शफल कर लेते हैं। जय माता काली, जय बाबा काल भैरव। मीन राशियों के लिए मैसेजेस दे दीजिए। ओके, पहला मैसेजेस आ गया है क्वीन ऑफ शोज। ओके मीन राशि वालों, इट्स अ ग्रेट कार्ड। Wow, Knight of Pentacles, that is great. Queen of Swords with the Knight of Pentacles and the last card, which is the Ace of Pentacles. Wow. So, यहाँ पे clear card scene है. देखिए मीन राशि, आप बहुत sensitive हो और आपको पता चल रहा है कि लोग आपसे एडवांटेज लिए थे, कुछ ऐसे पर्सन जो फेक थे, कुछ ऐसे पर्सन जो अनऑथेंटिक थे, जो कुछ ऐसे पर्सन जो आपके सामने वादा किए थे बहुत कुछ चीज़ों का, एंड उस चीज़ से आप बहुत परेशान हुए थे। आई थिंक एक ऐसे प्रोलॉन्ग पास्ट जो आपको अभी भी तड़पाता है, जिस पर्सन की वजह से अभी भी शायद आप नए पर्सन को चूज़ नहीं कर पाए हो, बट आई थिंक आपको कुछ सच्चाई पता चल रहा है कि आई थिंक आपको मूव ऑन करना चाहिए, आई थिंक आपको सच्चाई पता चल रहा है कि वो अभी और एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो कुछ मेजर डिसीजंस आप ले रहे हो क्योंकि आपको पता चल रहा था कि कोई चीज़ हद से बाहर हो रहे है, कोई चीज़ बहुत नेगेटिव हो रहे है, कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा तंग किए हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ें आपको बहुत परेशान किए हैं। आई थिंक वैसे एक डिसीजंस आप ले रहे हो, बट आप ये डिसीजंस ले रहे हो उन लोगों के लिए जो लोग ईगोइस्टिक है, जो लोग ख़राब है, ये डिसीजंस आप ले रहे हो उन लोगों के लिए जो लोग आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश किए, जो लोग आपको आपसे जेलस है उनके लिए, बट जो लोग सच में आपको प्यार करते हैं, जो लोग लॉयल है, जो लोग सच में आपको चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप अपना जान लुटा रहे हो। सो आई थिंक यहाँ पे दो साइड्स आपका बाहर आ रहा है, एक जो लोग खराब है उनके लिए आप बहुत ज़्यादा कठिन एक्शंस लोगे, हो सकते हैं उनको आप कट ऑफ कर रहे हो, उनके साथ आप कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, एंड साथ ही साथ जो आपको पता चल रहा है कि जो आपके लिए प्रे करते हैं, जो आपके लिए रहते हैं, उनको उनके साथ आपका कनेक्शन मजबूत हो रहा है। आई थिंक नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक स्टेबिलिटी आ रहा है यहाँ पे, मैं देख सकता हूँ कि जॉब के लिए आप जा रहे हो या फिर कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं देख सकता हूँ एक लॉयल पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो, हो सकता है ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर को,
एंड ये जो पर्सन है इसके साथ आपका फ्यूचर भी तय है. आई थिंक एक स्टेबल कनेक्शंस के करीब आप जा रहे हो. आई थिंक एक प्रॉपर रिलेशनशिप के अंदर आप आ रहे हो. ऐसा हो सकता है कि जॉब में कन्फर्मेशंस मिल रहा है या फिर गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रहा है. ऐसा भी हो सकता है कि आप पढ़ाई के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स पे जा रहे हो. ऐसा भी हो सकता है कि आपको फाइनली पता चल रहा है कि आपके लाइफ में क्या आप करना चाहते हो. सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप कुछ करेज के साथ आगे बढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ रहे हो, प्रोटेक्टेड हो आप. आप पहले बहुत वल्नरेबल थे, आप बहुत इमोशनली यू नो अवेलेबल थे और आप बहुत लोगों को बहुत यू नो एंटरटेन किए हो, प्लीज़ किए हो, लोगों के लिए अपना टाइम बर्बाद किए हो, लोगों के लिए अपना लाइफ को डिवोट किए हो, बट वहाँ से आपको कोई भी रेसिप्रोकेशंस नहीं मिला है. अभी आप जिस तरीके से एक पर्सन के साथ मिल रहे हो, ये सभी लोग बहुत ट्रस्टवर्दी लोग है. अभी कोई अननोन लोगों का जगह नहीं है आपने आपके लाइफ में. अभी जो भी लोग है, ये लोगों को आप देखे हो कि ये लोग कितना मदद किए हैं, ये लोगों को आप देखे हो कि ये कितना हद तक आपको प्यार करते हैं और कितना अनकंडीशनली आप को प्यार करते हैं. तो एक लॉन्ग फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हो. साथ ही साथ कोई नए नॉलेज को गेन कर रहे हो, कोई नए हॉबीज को परस्यू कर रहे हो, कोई नए टेरिटरीज पे जा रहे हो, कोई नए भाषा को सीख रहे हो, कोई नए रिसर्च कर रहे हो, कोई नए जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो. ऐसा हो सकता है कि कोई एक नए टॉपिक जो आपको हमेशा पसंद आता था बट उस टॉपिक के ऊपर आप कभी भी फोकस नहीं कर पाए हो या फिर आपको टाइम नहीं था. कुछ कुछ ऐसे चीज़ें थे जिस चीज़ के बारे में आपको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था या फिर उतना ज़्यादा टाइम नहीं था. तो एक उस चीज़ के बारे में आप पता करोगे, उस चीज़ को लेके आप आगे बढ़ोगे. कहीं ना कहीं अगर अप्स एंड डाउन्स ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा था तो फाइनली एक स्टेबिलिटी आ रहा है, फाइनली एक कमिटमेंट आपको मिल रहा है. और एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपका फाइनेंस इंप्रूव हो जा रहा है. तो अगर आपको लग रहा था कि आप कुछ गलत डिसीशंस लिए थे या फिर बहुत ज़्यादा पैसा बाहर मतलब खर्च अप कर रहे थे या फिर आप बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड कर रहे थे, वो भी कुछ खास रीज़न के लिए नहीं, कुछ अननेसेसरी चीज़ों के लिए, तो वहाँ पे आप अपने बजट को कंट्रोल करोगे. मैं देख सकता हूँ कि आप सही दिशा से खुद को मोटिवेट करोगे. मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप जो राइट पर्सन है या फिर जो एक्सपर्ट्स है उनसे आप एडवाइस ले रहे हो. एक बहुत एक अच्छा एडवाइस आपको मिल रहा है और वो एडवाइस आपके लाइफ को चेंज कर दे रहे हैं. खास करके अगर आप नए जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे हो या फिर कोई रिजल्ट्स के लिए इंतज़ार कर रहे हो या फिर आपको अपने लाइफ का स्टेबिलिटी को लेके इंतज़ार कर रहे हो कि कब मेरे को स्टेबिलिटी मिलेगा, कब मैं नई स्टेप पर जा सकूँ, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे कि बहुत ही जल्दी एक गुड न्यूज़, बहुत ही जल्दी एक स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगा एंड एक रिकॉग्निशन. तो अगर आप कोई सर्टिफिकेट के लिए वेट कर रहे हो, कोई जॉब ऑफर लेटर के लिए वेट कर रहे हो, कोई प्राइज के लिए वेट कर रहे हो, कोई रिकमेंडेशन के लिए वेट कर रहे हो या फिर कोई अप्रिसिएशन के लिए वेट कर रहे हो, सो यहाँ पे क्लियर कट ये आपके लिए आ रहा है. साथ ही साथ आपका रूट चक्रा ओपन हो जा रहा है. रूट चक्रा जब ओपन हो जाता है तो रोटी कपड़ा मकान के लिए कोई टेंशन नहीं रहता है. अगर आप घर खरीदना चाहते हो तो मैं देख सकते हो कि एक घर से दूसरे घर पे आ रहे हो या फिर एक लोकेलिटी से दूसरे लोकेलिटी पे. न्यू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे आप इन्वॉल्व हो सकते हो. कोई ऐसे पर्सन है जो पहले पहले तो लॉन्ग डिस्टेंस रहेंगे बट ये आपके साथ आके रहेंगे और फ्यूचर में शादी है, तो ऐसा हो सकता है एक बहुत ही स्टेबल पर्सन के साथ आपका मुलाकात होगा और इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर कनेक्टेड है. बट आपको इस पर्सन के ऊपर उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि अभी शायद आप क्वीन ऑफ शोर्ट्स के मोड में हो, क्योंकि आप कोई पैशन इमोशंस के बारे में उतना ज़्यादा सोच नहीं रहे हो. बट धीरे धीरे आपको अपना आपके जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे इस पर्सन के करीब लेके आएंगे. सो एक बहुत ही स्टेबल कनेक्शंस के करीब आप जा रहे हो एंड एट द सेम टाइम एक स्टेबिलिटी. बट यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, लाइफ मोनोटोनस होने वाला है, यानी कि लाइफ में उतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहेगा, उतना ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं रहेगा. तो ये मोनोटोनस लाइफ एक आइडियल लाइफ होता है. ओके, तो इस लाइफ में आपको कंटिन्यूटी के ऊपर फोकस करना है, काम को एवरी डे करते जाना है, एवरी डे ही आपको सेम करीबन सेम काम ही करना है. सो इस पर अक्सर बोर फील आप कर सकते हो, इस पर अक्सर आपको लग सकता है कि आप क्या कर रहे हो या फिर आपको बाहर के साथ आप नहीं मिल पाओगे या फिर बाहर के लोगों के साथ उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा. बट यही आपके अभी के लिए ब्लेसिंग्स है और ये ब्लेसिंग्स को आपको यूटिलाइज करना होगा. तो ज़्यादा बोर मत हो जाइए,
बोर्डम को हटाने के लिए कुछ ऐसे क्रिएटिव मेडिटेशंस कीजिए, फिर इनर चाइल्ड को हीलिंग कीजिए, या फिर बुक्स पढ़िए, या फिर कोई ऐसे जगह पे खुद को इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपको कुछ नए सीख मिले, जहाँ पे आपको कुछ ऐसे नए विजडम मिले और जहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिले। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। ऐसे ही अगर कोई नए वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके भी बोल दीजिए। एंड मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो है वो है माँ काली टैरोट बाय निर्मल मुखर्जी विद अ ब्लू टिक, उसको ही फॉलो कीजिए। और मैं कोई भी पेड रीडिंग या फिर ऑनलाइन इवेंट्स नहीं करता हूँ, सो स्कैमर से बचिएगा। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।